गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम ऑन एग्जामपुर एंड वेलकम ऑन टूडेज एनवायरमेंट करेंट अफेयर क्लास मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि एनवायरमेंट और जियोग्राफी का पूरा करंट अफेयर प्रिलिम्स तक से पहले हम कंप्लीट करेंगे इसे हम स्टार्ट करेंगे ट्वेंटी uh, ट्वेंटी के मे जून के करंट अफेयर से और मंथवाइज आगे बढ़ते चले जाएंगे ठीक है तो ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि का जो है, इससे बहुत सारे जो है, पूछे जा रहे हैं अगर आप इसको जियोग्राफी के साथ एग्रीकल्चर तो कम कम इनके मिलाकर के क्वेश्चन आते हैं तो एनवायरमेंट एक ऐसा सेक्शन है जहां से यूपीएससी को बहुत ज्यादा प्यार है एक्सेसिव प्यार अगर कहें तो एनवायरमेंट सेक्शन से है। जैसे इस बार उसका एक्सेसिव प्यार निकला एग्रीकल्चर के लिए तो एग्रीकल्चर से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए और अब हो सकता है फिर से इन्वायरमेंट से क्वेश्चन जो है संख्या ज्यादा रहे तो 12 से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम आप मान के चलिए कि यहां पर एनवायरमेंट से पूछे ही जाते हैं तो आज हम एनवायरमेंट का करंट अफेयर लेंगे ठीक है मई जून जुलाई लगभग तीन महीने का करंट अफेयर लेंगे इसमें मैंने बहुत सिलेक्टिव रखा है क्योंकि इस पीरियड का करंट अफेयर ज्यादातर मेन्स में पूछ लिया जाता है प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर होगा प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर होगा उसको हम यहां पर करेंगे ठीक है प्रिलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन महीनों का करंट अफेयर हम यहां पर करेंगे सब लोग एक बार सेशन को जो लोग भी जुड़ रहे हैं सेशन को लाइक शेयर करते जाइएगा आप लोग सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए अपने जितने भी मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां से आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे हम एनवायरमेंट करंट अफेयर की लास्ट संडे को मैंने जियोग्राफी के करंट अफेयर तीन महीने के कराए थे अब हम एनवायरमेंट के करंट अफेयर आज डील करेंगे ठीक है सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन ठीक है चलिए तो लेट स्टार्ट विद एनवाइ करंट अफेयर विशाखापटनम में हमने एक ट्रेजडी सुनी थी कि एल के प्लांट से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से वहां से गैस जो है वो लीक हो गई और बहुत ज्यादा लोग बड़ी मात्रा में सफोकेट होने लगे कई लोगों की मृत्यु भी हुई कई हॉस्पिटलाइज भी रहे लास्ट ईयर कोरोना का भी एक तो कहर रहा उसके साथ ही गैस लीक की भी घटना जो है विशाखापट्नम से आई तो यहां पर जो केमिकल डिजास्टर डिजास्टर है एक तो ये मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन बनता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रेम्स में क्वेश्चन बनता है इस गैस के कॉन्टेक्ट में जानने से रिलेटेड ठीक है सभी लोग जो लोग जुड़ रहे हैं सेशन को लाइक शेयर करते जाइएगा ज्यादा जा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बुलाइए यहां पर सेशन अटेंड करने के लिए इन्वायरमेंट का करंट अफेयर तो अगर हम देखें तो एक गैस जो यहां पर रिलीज हुई थी उस गैस का नाम है स्ट्रीन गैस गैस का क्या नाम है स्ट्रीन गैस तो गैस का नाम आपको ध्यान रखना है दिस इज स्ट्रीन गैस तो विशाखापत्नम में जो केमिकल डिजास्टर रिस्क हुआ था भारत में बहुत सारे केमिकल डिजास्टर्स होते रहते हैं थोड़ा सा हम केमिकल डिजास्टर्स के संबंध में भी डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये जो केमिकल डिजास्टर रिस्क रहा है ये इसका थोड़ा सा डेटा भी हम पीछे का देखेंगे तो एक स्टेन गैस है जो कि एल जी के विशाखापतनम आंध्र प्रदेश के गैस प्लांट से लीक हो गई थी ठीक है अब गैस को हम देखें तो ये बेसिकली बेंजीन का एक डेरिवेटिव है C6H6 बेंजीन होती है ये बेंजीन का एक डेरिवेटिव है बेंजीन बेसिकली जो है वो मिलाई भी जाती है कई सारी दूसरी गैसेस के साथ में इसको मिक्स किया जाता है हाइड्रोकार्बन है ये ठीक है तो ज्वलनशील भी होगा ठीक है सफोकेटिंग गैस भी होगी तो बेंजीन का ही एक डेरिवेटिव है सी एट एच एट स्ट्रीन गैस ठीक है सो so, स्ट्रीन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है सी एट एच एट नाम का ऑर्गेनिक कंपाउंड है आप लोग एक बार मुझे बता दीजिएगा जो लोग भी ऑनलाइन है क्या बोर्ड में आप लोगों को ये वर्ड्स क्लियर दिख रहे हैं वर्ड्स क्लियर दिख रहे हैं बोर्ड में आपको ठीक है एक बार मुझे बता दीजिएगा कि बोर्ड में वर्ड्स आप लोगों को क्लियर दिख रहे हैं या नहीं ठीक है हरेंद्र जादौन हिस्ट्री क्लासेस आपकी कहां पर स्टार्ट होंगी हिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब पर यूट्यूब पर लक्ष्य बैच में चल रही हैं ठीक है लक्ष्य बैच में चल रही हैं यहां पर ठीक है तो ये आपको क्लियर दिख रहा है एक बार मुझे बता दीजिएगा कि ये आपको क्लियर दिख रहा है तो स्ट्रीन गैस जो है वो रिलीज हुई है स्ट्रीन गैस के कारण हुआ क्या है ठीक है स्ट्रीन गैस के कारण बेसिकली हुआ ये है कि बड़ी मात्रा में वहां पर ट्रेजिडी हुई लोगों को सफोकेशन फील हुआ ठीक है जस्ट जस्ट होल्ड ऑन जस्ट मिनट थोड़ा सा ना इसका लाइट अरे ठीक है thank <laughs> चलो ठीक है ओके okay, फाइन तो हम देखेंगे कि इंडिया में जो केमिकल डिजास्टर रिस्क है उसको लेकर के कौन सी अथॉरिटी जो है वो इसे मैनेज करने का काम करती है ठीक है अच्छा देवस्मिता माइक अभी आ रहा है गुड मॉर्निंग वॉइस अभी आ रहा है मुझे बता दीजिएगा एक बार वॉइस इज क्लियर नाउ ठीक है तो अगर देखें तो ये जो गैस है इसे खासकर जो है वो, वो रबर के प्रोडक्शन वगैरह में यूज़ किया जाता है ये फैक्ट्रीज़ में लिक्विड फॉर्म में फैक्ट्रीज़ में लिक्विड फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है बिकॉज ये बहुत ईजिली इवेपोरेट हो जाता है तो इसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है और जो टेम्परेचर है वो ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो ही इसको स्टोर किया जाता है ठीक है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे इसको स्टोर किया जाता है तो स्ट्रीन गैस बेसिकली जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होती है ठीक है यूपीएससी ऐसे गैसेस का जो यूज है पर्पज है उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको याद रखना है कि ये पॉलिस्टरीन प्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए यूज होता है जो अक्सर ऐसा प्लास्टिक जो होता है ये काफी कोल्डर टेम्परेचर में अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है ठीक है और हाई टेम्परेचर पर भी अपना फॉर्म जल्दी चेंज नहीं करता ऐसा पॉलिस्टरीन प्लास्टिक होता है जिसको हम अक्सर जो है ए वगैरह में फ्रिज वगैरह में इन सब चीज़ों में इस पॉलिस्टरीन प्लास्टिक को यूज करते हैं ठीक है तो फाइबर ग्लास बनाने में यूज होता है अक्सर ऐसे फाइबर ग्लास पैनल होते हैं जिनको आप गिरा दीजिए तो वो ग्लास टूटेगा नहीं तो ऐसे फाइबर ग्लास बनाने में रबर बनाने में इसमें स्टरीन का बेसिकली प्रयोग किया जाता है अब चूंकि स्ट्रैचडी की वजह से स्टरीन जो है चर्चा में रही थी सो so डेफिनेटली स्ट्रीन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में बन सकता है ठीक है तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो जाए को तो इससे हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें सीधे तौर पर इफेक्ट जाता है और बॉडी जो है बॉडी कॉन्शियसनेस जो है वो खोने लगती है तो इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंट जो है वो हमें देखने को मिले विशाखापत्नम गैस ट्रेजडी केस में ठीक है शायद आप लोगों को याद हो आप लोगों ने पेपर वगैरह में उस टाइम पढ़ा हो कोरोना का भी चल रहा था ठीक है और उसके साथ साथ जो है वो गैस ट्रेजडी भी विशाखापटनम में हो गई थी तो पीपल वर कनेक्टिंग दिस गैस ट्रेजडी विद भोपाल गैस ट्रेजडी जो भोपाल में गैस ट्रेजडी होती है मेथिल आइसोसाइनाइड जिसमें हालांकि मेथिल आइसोसाइनाइड मच मोर डेंजरस देन स्ट्रीन गैस ठीक है इसमें फेटेलिटी रेट जो है वो कम है तो अगर हम देखें तो स्टेट केमिकल अथॉरिटी ठीक है हमारे पास कुछ डेटा है कुछ डेटा मैंने कलेक्ट किया है कि भारत में कितना इस तरीके की केमिकल ट्रेजिडीज जो है वो कितनी होती रहती हैं, इससे रिलेटेड हम पहले थोड़ा सा देखेंगे तो भारत में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपको बताना है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड कौन होता है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ठीक है लास्ट जियोग्रफी क्लास में मैंने ये बताया था तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि लगभग वन थर्टी सिग्निफिकेंट केमिकल ठीक है 130 सिग्निफिकेंट केमिकल एक्सीडेंट्स जो है वो अभी रीसेंट पास्ट में कंट्री में हो चुके हैं हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में 130 केमिकल डिजास्टर जो है वो भारत को फेस करने को मिले जो लोग भी ऑनलाइन हैं एक बार सेशन को लाइक like, शेयर आप लोग करते जाइएगा प्लीज़ यही संडे को हम पढ़ा रहे हैं संडे को हमारे पढ़ाने का मोटिवेशन सिर्फ आपका ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना है ठीक है तो संडे को ये सारी मेहनत और कसरत जो है वो आप लोगों के लिए हो रही है क्योंकि प्रिलिम्स एग्जाम आ रहा है करीब तो संडे को भी अभी सारी फैकल्टीज जो है वो संडे को क्लासेस ले रहे हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को यहाँ पर जोड़िए अपने ठीक है तो हम देखें तो वन थर्टी जो है वो हुए हैं और बहुत सारे ऐसे डिजास्टर हैं बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहे हैं और सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा ना करने के कारण क्या हो रहा है कि डिजास्टर प्रोन एरियाज में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस तरीके के आर थाउजेंड्स ऑफ रजिस्टर फैक्ट्रीज बहुत सारी ऐसे ऐसी फैक्ट्रीज किसे कहेंगे फैक्ट्रीज उन्हें कहेंगे जिनमें हम क्या करते हैं जिनमें हम कुछ ऐसे केमिकल्स

मटेरियल जो है वो यूज़ हो रहा है और बड़ी मात्रा में जनसंख्या जो है वो इससे एक्सपोज भी हो रही है तो ये एक बहुत सीरियस थ्रेट है जिसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था ठीक है इसके अलावा हम देखें तो देर आर ओवर 1861 मेजर एक्सीडेंट मेजर हेजोर्डस एक्सीडेंट जो है वो केमिकल से रिलेटेड हुए हैं ठीक है और करीब 301 डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरीके के केमिकल एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं पिछले एक से एक दशक में पिछले 10 साल में जो है वो 1800 से ज्यादा केमिकल एक्सीडेंट्स भारत में है, जो है एक्सपोज हुए हैं ठीक है मेजर एक्सीडेंट्स आर डिफाइंड एट एज एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ लाइफ जब भी हम मेजर एक्सीडेंट की कैटेगरी में इसको रखते हैं तो याद रखिएगा जिसमें दस लोगों या दस लोगों से ज्यादा की मृत्यु हो जाए इंजरीज हो जाए ठीक है दस लोगों से ज्यादा उससे हताहत हो ठीक है उनको फेटेलिटीज हो तो उसको हम मेजर एक्सीडेंट की कैटेगरी में रखते हैं ठीक है टॉक्सिक केमिकल वगैरह का एक्सप्लोजन हो जाए तो उसे हम मेजर एक्सीडेंट कैटेगरी में रखते हैं तो एनडीएमए ने कहा है कि पिछले एक दशक में हमारे यहां पर लगातार चूंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम और दूसरे सारे जो इन्वेस्टमेंट अनदिता गुड मॉर्निंग अनंता वेलकम आप सबका स्वागत करता हूं मैं यहां पर ठीक है आइए जुड़िए सब लोग आप लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं इसका फ़ायदा उठाइए अभी हम पूरा करंट अफेयर में मई जून से इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ ठीक है आप अगर देखेंगे तो इस फाइल में आपको दिखाई पड़ेगा कि ये जो मैंने न्यूज़ ली है ये इंडियन इकॉनॉमी इंडियन इकोनॉमिक्स और द हिंदू जो है उस पर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में ये कवर किया गया है ठीक है न्यूज़पेपर का इसलिए मैं यहाँ पर रेफरेंस भी डाल देता हूँ और किस सेक्शन के लिए हमारे सिलेबस में कौन सा टॉपिक है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन हमारे सिलेबस में है तो सिलेबस में ये कहाँ रिलेट करता है उसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है तो आपके रेफरेंस के लिए आप लोग ध्यान रखिए नथिंग इज गोइंग आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी हम आउट ऑफ द सिलेबस नहीं कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर रेफरेंस भी लिख देता हूँ कि कहाँ से ये डेटा मैंने कलेक्ट किया है तो ये सारा डेटा हिंदू में द हिंदू में रिलीज हुआ था जहाँ पर एनडीएमए ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये सारा डेटा रिलीज किया था जब स्टेरीन गैस ट्रेजडी हुई ठीक है तो स्टेरीन गैस बेसिकली क्या एलजी के पावर प्लांट में रखी गई थी स्टोर की गई थी उसे पॉलिस्टरीन प्लास्टिक फाइबर वगैरह फाइबर ग्लास बनाने में यूज़ किया जाता है ठीक है और उसका लीक हुआ जिसकी वजह से लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ा लोग चलते फिरते बेहोश होने लगे ठीक है और उसमें से दस लोगों से ज़्यादा की मृत्यु भी यहां पर दर्ज की गई

ठीक है तो कभी भी इस तरीके के जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको डील करने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर लॉज नहीं थे स्पेसिफिक कानून जो है वो इसको लेकर के नहीं थे जब भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी ठीक है भोपाल गैस ट्रेजडी हुई तो भोपाल गैस ट्रेजिडी के टाइम में हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं था जिसका फायदा उठा करके वॉरेन एंडरसन जो कि फैक्ट्री का मालिक था भोपाल में जो गैस लीक हुई मेथिल मेथेलाइसोसाइनाइट ठीक है जिस फैक्ट्री से लीक हुई उसका ओनर था वॉरेन एंडरसन और वो इसका फायदा उठा करके बच निकला कई हजार की संख्या में लोग वहाँ पर मारे गए पर उन उसका हम किसी पर क्लेम नहीं कर पाए तो इसको लेकर के हमारे पास पहले कोई कानून नहीं था जब 1986 में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई तो उसी के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भोपाल ट्रेजिडी के बाद जो है एन्वायरमेंट एक्ट 1986 बनाया ठीक है तो भोपाल गैस लीक के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसे देखें तो भोपाल गैस लीक केस 1985 में हुआ 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया अब इसके तहत जो है हम कवर करते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है हम कवर करते हैं किस तरीके के केमिकल एक्सीडेंट्स को तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ मेजर लिए और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको डाला जिसमें इंडस्ट्रियल यूनिट को इंस्पेक्ट करना इंस्पेक्ट करना मतलब ठीक है उसको इंस्पेक्ट करना तो उसको इंस्पेक्ट कर करने का अधिकार जो है वो दिया गया गवर्नमेंट अथॉरिटीज को फिर पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 नाएंटी आया पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 नाएंटी आया ठीक है पब्लिक Act 1991 आया इसके तहत इंश्योर किया गया कि अगर इस तरीके के हिजॉर्ड्स होते हैं तो कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा जान माल की हानि होती है तो कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा तो यह बेसिकली एक इंश्योरेंस टाइप का था इट इज एन इंश्योरेंस मेंट टू प्रोवाइड रिलीफ दर्सन अफेक्टेड बाई द एक्सीडेंट दाइलिंग पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के तहत उस फैक्ट्री ओनर को उस कंपनी को इसके लिए लाइबल ठहराया गया जहां से इस तरीके का हेजोर्डस एलिमेंट क्या हो रहा हैडल हो रहा है और वहां से किसी भी गलती की वजह से वो लीकेज हुआ और ट्रेजिडी हुई इसके अलावा एक और हमारे पास फ्रेमवर्क है विच इज नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997। तो यहां यहाँ पर आप जाकर के अपील कर सकते हैं ठीक है सो अंडर दिस एक्ट द नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी कैन हियर द अपील्स रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एरिया विच इंडस्ट्रियल ऑपरेशन प्रोसेस ठीक है तो कहां पर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन प्रोसेस होगा कहां पर नहीं होगा किस तरीके के सेफ गार्ड मेजर्स को आपको यूज करना है ये सब इसके तहत नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी जो है वो बता सकती है वो लगा सकती है और वो ना पाए जाने पर वो सेफ्टी मेजर ना यूज किए जाने के केस में ये अथॉरिटी जो है आपसे पूछ भी सकती है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं ठीक है थीके? तो नेशनल एनवायरमेंट अपील अथॉरिटी में जो है हम जा सकते हैं पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के तहत भी फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ठीक है 2010 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इट प्रोवाइड स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर इफेक्टिव Expedition डिस्पोजल cases कि आप जो भी एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं उनको यूज़ के बाद उसका इफेक्टिव डिस्पोजल कर रहे हैं या नहीं इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फैक्ट्रीज में जो वेस्ट होता है वेस्ट हैंडलिंग और वेस्ट डिस्पोजिशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और क्या होता है नदियों में सीधे तौर पर जो वेस्ट है वो बहा दिया जाता है और इससे ग्राउंड वाटर खराब होता है एग्रीकल्चर में जहाँ पर उन नदियों का जल यूज़ किया जा रहा है रिवर्स का एग्रीकल्चर में वो सीधे केमिकल्स पहुँच जाते हैं और फिर वो केमिकल्स जो है फूड चेन में एंटर हो जाते हैं अगर एग्रीकल्चर में वाटर हमने यूज़ किया ऐसा वाटर जिसमें अनट्रीटेड अनट्रीटेड केमिकल रिजॉर्ट्स जो है वो जा रहे हैं और वो वाटर खेतों में यूज़ किया गया तो वो वाटर क्या होगा खेतों में हमने एग्रीकल्चर किया तो वो फूड चेन में एंटर हो जाएगा जिसको हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन धीरे धीरे फूड चेन में वो चीजें एंटर होती रहेंगी और फूड के माध्यम से वो हमारी बॉडी में पहुंचेंगी तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस बात को इंश्योर करता है कि प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया गया केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो फैक्ट्रीज वगैरह से हो तो अगर हम देखें तो वी हैव बेसिकली थ्री फोर लॉज हियर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल ठीक है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस तरीके के हमारे पास हैं अब यहां पर दो टर्म आप थोड़ा सा समझ लीजिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जैसे जब हमारे पास एक्ट्स आए तो यहां पर इसका जब केस गया कोर्ट में तो अब कंपनी की तरफ से भी कोई वकील होगा तो वकील ने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल नाम का एक वर्ड यूज किया ठीक है, वॉट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो फैसला दे दिया, फिर उसको आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कर सकते हैं। तो फाउंड एल जी पॉलिमर प्राइमा फेसी लाइबल अंडर द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल फॉर द वाइज गैस लीक ठीक है वाईजैक गैस लीक जो आंध्र प्रदेश में हुआ ठीक है तो इसके लिए एनजीटी ने एल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया एल की तरफ से जो लॉयर अपॉइंट हुआ था उसने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल की जगह पर एक टर्म यूज किया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल ठीक है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल में अंतर किया है हमारी कोर्ट जो है इस तरीके के केमिकल डिजास्टर में टर्म यूज करती है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल ठीक है ऋतिक गुड मॉर्निंग ऋतिक थोड़ा सा लेट हो गए आज आप ठीक है तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल में अंतर क्या है इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है जब भी केमिकल हेजॉर्ड या इस तरीके के हेजॉर्ड पर आप आंसर लिखें और लीगल फ्रेमवर्क के बारे में आपको लिखना हो ठीक है लीगल फ्रेमवर्क तो एक्ट्स के साथ में आप ये भी मेंशन करिएगा कि कोर्ट जो है वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल को प्रेफर करता है ठीक है और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल को नहीं प्रेफर करता है तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल में यह कहा जाता है कि कोई भी कंपनी कोई भी पार्टी तभी लाइबल होगी तभी कंपनसेशन पे करेगी जब कोई एक्सीडेंट जो है वो जानबूझ करके कराया गया हो अगर कोई भी हेजर सब्सेंस जो है वो अपने आप स्केप हो गया प्रेमिस से बाई एक्सीडेंट ठीक है और एक्ट ऑफ गॉड एक्ट ऑफ गॉड ठीक है आपने यह वर्ड सुना होगा ओ माई गॉड मूवी आई थी तो एक्ट ऑफ गॉड वर्ड बताया गया था तो मान लीजिए कि आ, अगर भूकंप आया और भूकंप की वजह से प्लांट डिस्ट्रक्ट हो जाता है और गैस इस तरीके की खतरनाक जहरीली गैसेस रिलीज हो जाती हैं तो उसे एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में रखा जाएगा ठीक है एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में रखा जाएगा और वहां पर कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी कंपनसेशन पे करने के लिए इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल ठीक है और अगर किसी से गलती से ये हो जाता है कोई जान बूझ करके ऐसा नहीं करेगा ऐसा का, कहा गया कि कोई जानबूझ करके इस तरीके के एक्सीडेंट नहीं करवाएगा तो अगर किसी से गलती से मिस हैंडलिंग हो जाती है उस केस में भी कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी कंपनसेशन पे करने के लिए ठीक है कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा नहीं है ठीक है ऐसा नहीं है कोर्ट ने कहा कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल जो है आएगा जिसमें पार्टी इन अ कोई पार्टी पार्टी मतलब वो कंपनी जहां पर लीक होता है पार्टी इन इंडस्ट्री के नॉट क्लेम एनी एग्जेपन ठीक है किसी भी तरीके का एग्जाम्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं जब तक नेचुरल तरीके से मान लीजिए बिजली गिर गई या भूकंप आ गया इसकी वजह से अगर होता है तब तो आप कंपनसेशन ना पे करें पर अगर किसी भी मैन मेड डिजास्टर ठीक है ह्यूमन हैंडलिंग के कारण ऐसा होता है तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल के तहत आपको उसका क्लेम देना पड़ेगा भले आपके किसी भी कर्मचारी से कोई भी गलती हुई हो ठीक है तो यह बात जो है यहां पर कहा सो इट हैज इट हैज टू मैंडेटरली पे कंपनसेशन वेदर और नॉट द डिजास्टर वॉज कॉज्ड बाई निग्लिजेंस या तो निग्लिजेंस या तो नॉन निग्लिजेंस की वजह से अगर हुआ भी है किसी भी तरीके से हुआ है तो आपको उसे कंपनसेशन देना होगा यह एब्सोल्यूट प्रिंसिपल कहता है तो एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल वर्ड को यूज किया है कि इन एनी केस आपकी लाइबिलिटी होगी जो कंपनी चला रहा है कंपनी ओनर की लाइबिलिटी होगी कंपनी के बोर्ड की लाइबिलिटी होगी कि कंपनसेशन जो है वो पे करे तो एनजीटी एक्ट मैंडेट दैट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी शुड बी अप्लाइड इवन इफ द डिजास्टर कॉज इज एन एक्सीडेंट गलती से भी हुआ है फिर भी आपको कंपनसेशन देना है ठीक है ये एब्सोल्यूट प्रिंसिपल कहता है और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर जानबूझ के कराया गया है तो ही कंपनसेशन देना है एक्सीडेंट मिसहैंडलिंग ठीक है और गलती से अगर हो गया है या तो एक्ट ऑफ गॉड के द्वारा हो गया है तो हम नहीं देंगे ठीक है तो ये दो वर्ड आपको यहां पर ध्यान रखने हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल को इनएडिकुएट माना कहा कि यह प्रिंसिपल जो है वो केमिकल हेजोर्ड को कंपनसेट नहीं कर पा रहा है ठीक से इनएडिकुएट माना टू प्रोटेक्ट दिटिजन राइट सिटीजन राइट एंड रिप्लेस इट विद एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल ठीक है तो मेहता यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा फंडामेंटल राइट right जीने का अधिकार है अब आप जा रहे हैं कहीं रास्ते में और कहीं दूर जो है वो क्या हुआ किसी केमिकल ब्लास्ट की वजह से बहुत सारी गैस रिलीज हुई आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी आप जो है उस गैस को एक्सपोज हो गए और आपकी डेथ हो गई तो हु इज गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चाहे वो गलती से हुआ हो चाहे जैसे हुआ एब्सोल्यूट एबसोल्यूट प्रिंसिपल आपको एक्सेप्ट करना होगा और इसके तहत आपको कंपनसेट करना होगा मॉनिटरी टर्म में ठीक है सो द जजमेंट केम ओलियम गैस गैस ये एक फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होती है ठीक है ओलियम गैस लीक हुआ था दिल्ली में 1986 में उसके संबंध में ये केस का डिसीजन जो है वो आया था और यहां पर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल को यूज किया गया था और बहुत सारा जो <coughs> जिसकी वजह से कंपनीज एग्जेम हो जाती थी बच जाती थी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल वाले लॉज में अब कंपनीज की लायबिलिटी बढ़ा दी गई ठीक है तो ये चीज जो है यहां पर है और ये जो केस लिया गया ये आर्टिकल 21 हमारा जो राइट टू लाइफ है हमारा जो जीवन का अधिकार है जीने का अधिकार है उसके तहत जो है इस केस का डिसीजन सुनाया गया था ठीक है चलिए नेक्स्ट लेते हैं बात समझ गई है तो कौन सी गैस लीक हुई थी लीगल फ्रेमवर्क हमारे पास कौन कौन से हैं ठीक है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल और एब्सोल्यूट प्रिंसिपल जो जो है इसको भी भी आप लोग लोग ध्यान रखिएगा ऑनलाइन जुड़ रहे हैं प्लीज सेशन को लाइक like शेयर करते जाइएगा लाइक शेयर करते जाइएगा ठीक है जियो खुल के जियो आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि जो भोपाल गैस ट्रेजडी है वो एटी में हुई थी और कानून बना था एटी और एटी में ठीक है चलिए तो नेक्स्ट <coughs> इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेते हैं यूपीएससी जो है कुछ स्पेसिफिक जीवों से क्वेश्चन पूछती रहती है ठीक है कुछ एनिमल से क्वेश्चन आते रहते हैं जो काफी इंडेंजर्ड कैटेगरी में होते हैं ठीक है तो ये भी हम थोड़ा सा discuss करते हैं यूपीएससी ने एक पूछा था सी <coughs> लॉइन के बारे में सी लॉइन के बारे में उसी तरीके से आज मैंने यहां पर लिया है ठीक है क्या इसको बोलते हैं सी काऊ ये आपको एनिमल यहाँ पर दिख रहा होगा ठीक है कैन यू सी दिस एनिमल सी काउ यह पानी में रहता है सी एरियाज में रहता है कोस्टल रीजन में रहता है ठीक है हालांकि ये गाय नहीं है दिस इज नॉट काउ बेसिकली इसको बोलते हैं सी काउ पर यह गाय नहीं है इसका नाम है ड्यूगोंग क्या नाम है इसका ड्यूगोंग तो वर्ल्ड ड्यूगोंग डे जो है वो अट्ठाईस मई दो को ऑब्जर्व किया जाता है

खतरे में जातियां हैं प्रजातियां हैं ठीक है स्पीसीज हैं उनको हम तीन तरीके से प्रेजेंट करते हैं ठीक है एक तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ठीक है क्रिटिकली एंडेंजर्ड सीआर कैटेगरी सीआर कैटेगरी में हम उन प्रजातियों को रखते हैं ठीक है याद रखिएगा ये बिल्कुल टर्म आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा वॉट इज प्रिया गुड मॉर्निंग प्रिया आइए फटाफट सेशन को भी आप लोग लाइक शेयर करते जाइए सेशन को लाइक शेयर करते जाइए प्लीज ठीक है तो सी आर कैटेगरी या क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में हम रखते हैं उनको जिनकी 90% परसेंट पॉपुलेशन जो है वो पिछले 10 सालों में खत्म हो गई है ठीक है तो याद रखना है 90% परसेंट पॉपुलेशन 90 परसेंट पॉपुलेशन लास्ट 10 इयर्स में क्या हुई है उनकी 90% परसेंट पॉपुलेशन क्या हुई है खत्म हो गई है और अब उनका जो टोटल नंबर बचा है वो 50 बचा है ठीक है कितने बचे हैं 50 बचे हैं केवल तो उनको हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखते हैं ठीक है आईयूसीएन ठीक है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन एक बुक जारी करती है एक लिस्ट जारी करती है जिसे हम कहते हैं रेड लिस्ट या रेड डेटा बुक रेड डेटा बुक में इन स्पीशीज को मेंशन किया जाता है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो ठीक है इसके अलावा एक कैटेगरी होती है इंडेंजर्ड ईएन EN. ठीक है तो जर्ड जो सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं खतरे में होते हैं ठीक है है फिर endangered category होती है, इसमें वो रखे जाते हैं जिनकी सेवेंटी परसेंट पॉपुलेशन यहां पर नाइनटी परसेंट पॉपुलेशन खत्म हुई थी इनकी सेवेंटी परसेंट पॉपुलेशन जो है वो क्या हुई खत्म हो चुकी है लास्ट टेन ईयर्स में ठीक है ईयर्स में इनकी सेवेंटी परसेंट पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो चुकी है और अब जो इनकी संख्या बची है वो कितनी बची है ढाई सौ बची है ठीक है ऐसी स्पीसीज को हम रखते हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी में तो सबसे ज्यादा खतरे में क्रिटिकली इंडेंजर्ड फिर इंडेंजर्ड कैटेगरी ठीक है हाँ रेड लिस्ट स्पीसीज जो है ठीक है तो इसमें रेड लिस्ट में ऐसी Precise को रखते हैं एक होती है वलनरेबल कैटेगरी वी यू कैटेगरी ठीक है तो ये जो हमारा डिवगोंग है सी काउ जिसे बोलते हैं ये वलनरेबल कैटेगरी में आता है किसमें आता है वलनरेबल कैटेगरी में आता है वल्नरेबल मतलब वल्नरेबल मतलब ये क्या है खतरे की कगार पर आ चुका है और इसकी 50 परसेंट पॉपुलेशन फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन जो है वो पिछले दस सालों में खत्म हो गई है ठीक है? पिछले दस सालों में इसकी 50% पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गई है खत्म हो गई है इसके अलावा इसकी जो पॉपुलेशन अब बची है वो दस हजार के आसपास है ठीक है तो वलनरेबल कैटेगरी कम खतरे में होती है हा? ठीक है तो जो वल्नरेबल कैटेगरी है विच इज अबाउट टू एक्सटिंक्ट नहीं देखिए एक्सटिंक्ट कैटेगरी एक्सटिंक्ट होने वाली ये होंगी क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट वाली होंगी वल्नरेबल वाली जो होंगी इनमें दस हजार जनसंख्या बची है और इनकी 50 परसेंट पॉपुलेशन अभी खत्म हुई है फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन जो है बची है तो वलनरेबल कैटेगरी में ड्यूगोंग को रखा जाता है याद रखिएगा वलनरेबल कैटेगरी में ड्यूगोंग को रखा जाता है तो रेड लिस्ट में पिंक पेजेस होते हैं ग्रीन पेजेस होते हैं तो पिंक पेजेस में जो बहुत इंडेंजर्ड वाले होते हैं उनको रखा जाता है और ग्रीन पेजेस में उनको रखते हैं जिनको हमने कुछ रिकवर कर लिया है तो पिंक पिंक और ग्रीन पेजेस रेड बुक में होते हैं रेड पेजेस उसमें नहीं होते हैं ये बात ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा इसको रेड डेटा बुक जरूर कहते हैं पर रेड डेटा बुक में रेड पेजेस नहीं होते हैं ठीक है उसमें कौन कौन से होते हैं उसमें होते हैं पिंक पेजेस ग्रीन पेजेस ठीक है तो ये वनरेबल कैटेगरी में आता है इसके अलावा अगर हम देखें तो ये एक मैमल है क्या है ये मैमल्स हैं मैमल की कैटेगरी में आता है ठीक है क्या है ये मैमल है मैमल मतलब ये बच्चा देगा मिल्क प्रोड्यूस करेगा बच्चे का पालन पोषण करेगा तो इस वजह से चूंकि ये सी में रहता है इसलिए इसको सीकाउ बोलते हैं मैमल है इस वजह से इसको हम सी काउ बोलते हैं तो डिगोंग जो है वो प्रोटेक्टेड है इंडिया में जब भी कोई इसमें इस लिस्ट में आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड या वलनरेबल लिस्ट में आता है तो उसको गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करती है ठीक है उसको गवर्नमेंट सुमित गुड मॉर्निंग सुमित वेलकम ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो उसे गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्ट करती है तो ये हमारे प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आता है जिसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल वन में रखा गया है इसको ठीक है तो ये एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आती है अब ये कहां पर पाई जाती है तो इसका आप ध्यान रखिएगा ये खासकर ट्रॉपिकल सी एरिया में पाई जाती है वो भी तटों के आसपास अगर यहां पर मैप में आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये ट्रॉपिकल सी एरिया में ही है मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच का जो ट्रॉपिकल सी एरिया है पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन रीजन में यहां पर इसकी जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है और भारत में वेस्टर्न कोस्ट की तरफ पाई जाती है और इधर तमिलनाडु और आंध्रा कोस्ट की तरफ पाई जाती है ठीक है ये साफ पानी में ज्यादा रहना पसंद करते हैं जहां पर नदियों के द्वारा पानी आता है वहां पर नदियों के साथ में बहुत सारी मिट्टी भी आती है तो मिट्टी वाला जो एरिया होता है पानी का वहां पर ये नहीं रहते हैं इसी वजह से सुंदरबन डेल्टा रीजन में ये नहीं पाए जाते हैं सीकाऊ

इधर वेस्टर्न कोस्ट वाले रीजन पर यह ज्यादा है तो एस्चुरी जो होती है नदियां जहां पर ओशन में मिलती हैं सीधे जाकर के फैलती नहीं है उसको हम एस्चुरी स्ट्रक्चर बोलते हैं तो एस्चुराइन रीजन में ये ज्यादा पाई जाती हैं ठीक है ठीके? और गर्म पानी वाले एरियाज में ये रहना पसंद करते हैं ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है तो डिगोंग एक समय में वेस्ट बंगाल उड़ीसा के तटों पर भी पाई जाती थी पर वहाँ पर पॉल्यूशन क्योंकि उड़ीसा वेस्ट बंगाल यहां पर बहुत सारा कोयला माइनिंग से दामोदर नदी महानदी से बहुत सारा कोयले का पोल्यूशन भी आता है जिसकी वजह से ये यह पर रहना छोड़ चुके हैं ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ड्यूगोंग के बारे में अब इंडियन गवर्नमेंट जो है एक नॉन लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का इसको बचाने को लेकर के तो इसका डिस्ट्रक्शन बेसिकली क्यों हो रहा है क्योंकि सी ग्रास जो है जिसको ये खाते हैं बेसिकली सरफेस पर सी ग्रास जैसी उगती है केल्प उगते हैं पानी के अंदर जो वनस्पति उगती है उनको ये लोग बेसिकली खाते हैं और पानी के जो अंदर की वनस्पति है ये क्या हो रहा है कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है किसके लिए पेट्रोलियम निकालने के लिए गैस सीएस चीज़ें निकालने के लिए साथ में नदियों के द्वारा बहुत सारा पोल्यूशन जा रहा है जिसकी वजह से सी ग्रासेस जो है सी ग्रास बेड जो है वो समाप्त हो रहे हैं ठीक है खासकर कोयले की जहाँ पर माइनिंग होती है क्या होता है कि वेस्ट बंगाल में झारखंड में उड़ीसा में कोयला माइनिंग काफी होता है तो कोयला माइनिंग होने के बाद में कोयले का वॉशिंग किया जाता है कोयले की धुलाई की जाती है ताकि गंदगी हटा दी जाए तो कोल वॉशिंग करने के बाद में जो पानी निकलता है उसको नदियों में छोड़ दिया जाता है जिससे कोयले का बहुत सारा पॉल्यूशन पानी में चला जाता है नदियों में और नदियों के माध्यम से फिर वो ओशन में जाता है तो कोयले से आने वाला पॉल्यूशन माइनिंग एक्टिविटी से आने वाला पॉल्यूशन पेट्रोलियम से आने वाला पॉल्यूशन ये सब जो है वो सी ग्रास बेड्स को क्या कर रहे हैं समाप्त कर रहे हैं ठीक है जिसकी वजह से सी काउ जो है वो खतरे में आ रहे हैं पॉल्यूशन अनस्टेबल हंटिंग इनका अनसस्टेनेबल हंटिंग पोचिंग वगैरह भी इनका काफी हो रहा है मीट वगैरह के लिए इनको पकड़ा जाता है तो उसके कारण भी ये काफी खतरे में कैटेगरी आ चुकी है ठीक है तो आपको याद रखना है, जो है, 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 जो जो वो भारत में वल्नरेबल में कैटेगरी 2008 से डुगोंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है हमारे पास एक नॉन लीगल बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ठीक है नॉन लीगल बाइंडिंग हमने एग्रीमेंट किया हुआ है कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी से तो हमारे पास लॉस तो है पर हम इसको बहुत सक्सेसफुली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से लगातार ड्यूगोंग की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है पहले ये एम्पल अमाउंट में पाए जाते थे पर अब इनकी जनसंख्या 50 परसेंट तक खत्म हो गई है जिसकी वजह से इनको वलनरेबल कैटेगरी में रखा गया है तो इस वर्ष ड्यूगोंग जो है वो काफी चर्चा में रहा है इस वजह से आप इसको आने वाले प्रिलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखिएगा ठीक है चलिए इसके अलावा कुछ और कैटेगरी ऑफ टर्टल्स में आपको बता दूं ठीक है कुछ कछुए जो हैं टर्टल्स खतरे में रहे हैं इन टर्टल्स को आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये टर्टल जो है वो खतरे में रहे हैं कौन से टर्टल रहे हैं इनके नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यूपीएससी हर साल ऐसी जो इंडेंजर्ड स्पिसीज हैं जो किसी वजह से न्यूज में आती हैं न्यूज़ पेपर्स में आते हैं उनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है ठीक है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कुछ टर्टल्स जो है तो क्या हुआ है कि पांच टर्टल्स का लिस्ट दिया गया है भारत के टर्टल्स कछुए जो है ठीक है एक टर्टल होता है टौ होता है अभी दोनों में डिफरेंस भी मैं आपको बताता हूं तो टर्टल्स पांच कछुए जो है ऐसे दिए गए हैं जो सबसे ज्यादा खतरे में है मतलब लगभग कुछ तो खत्म हो चुके हैं ठीक है कुछ को केवल एक्सू प्रोटेक्शन दिया गया है ठीक है तो अभी हम देखते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम एक टर्टल ले रहे हैं इस टर्टल का क्या नाम है ठीक है इसको कहते हैं इसको कहते हैं नॉर्थ रिवर टरापिन नॉर्थ रिवर टरापिन या बाटागुर बास्का ठीक है बाटागुर बास्का तो ये पाया जाता है कहां पर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के तटीय क्षेत्रों में नदियों में पाया जाता है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के ठीक है बस आप थोड़ा सा इनके नाम पढ़ लीजिएगा ध्यान कर लीजिएगा फोटो देख लीजिए लोकेशन मैच कर लीजिए कहां पर ये पाए जाते हैं तो अक्सर ये नदियों में ही पाए जाएंगे तटीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे कछुए तो तो ये बतगुर बसका इसका लोकल नाम है और वैसे इसको नदन रिवर टरापिन बोलते हैं नदन रिवर टरापिन बोलते हैं तो ये द हिंदू में ये लिस्ट जो है दी गई थी ये जो नदन रिवर टरापिन है बतगुर बसका है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है ठीक है याद रखिएगा ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है ये लिस्ट रिलीज की गई है इस बार आई के द्वारा तो उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड पहले इंडेंजर्ड में था अब इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है ठीक है तो याद रखेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है नदन रिवर टरापिन एक्सटिंक्ट इन मच ऑफ द फॉर्मर रेंजेस जहां पर ये पहले पाया जाता था बहुत सारी जगहों पर ये लगभग एक्सटिंक्ट मान लिया गया है कि यहां वहां से ये क्या हो चुका है एक्सटिंक्ट हो चुका है समाप्त तो हो चुका है एक्सटिंक्ट मान लिया गया है बहुत सारी रेंजेस में ठीक है एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर टर्टल है इसकी खास बात यह है कि नदियों के फ्रेश वाटर में भी रह सकता है और जहां पर नदियां ओशन में मिलती हैं जहां पर खारा पानी होता है ब्रैकिश वाटर होता है उस ब्रैकिश वाटर में भी ये टर्टल रहता है नदन रिवर टरापिन या बतगर बसका ठीक है तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है ये खासकर उड़ीसा और जैसे महानदी में पाया जाता है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में ये पाया जाता है और तटीय क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा के रीजन में यह पाया जाता है ठीक है सो so, वहां पर इसका ब्रीडिंग ग्राउंड है खासकर सुंदरबन वाला जो रीजन है वो इसका ब्रीडिंग ग्राउंड है जहां पर वो बच्चे देता है ठीक है इसका हैबिटेट बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल में उड़ीसा वगैरह में साउथ एशियन रीजन में पाया जाता है थ्रेट थ्रेट क्या है अनस्टेबल अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एन साउथ एशिया इसका जो है सेल्स के लिए शेल के लिए मीट के लिए इसका पालन वगैरह किया जा रहा है ठीक है इसको पकड़ा जा रहा है इसकी कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कराई जाती है तो एक तरीके से ट्रेडिंग मटेरियल बनता जा रहा है और धीरे धीरे समाप्त हो रहा है इसके अलावा एक और कछुआ यहां पर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं रेड क्राउंड रूफ टर्टल ठीक है इसका नाम ध्यान रखिएगा रूफ्ड टर्टल ठीक है इसको रेड क्राउंड टर्टल भी कहते हैं रेड क्राउंड या रूफ टर्टल ठीक है इसे बेंगाल रूफ टर्टल भी कहते हैं ठीक है इसको इसको लोकली नाम दिया जाता है बतगुर काचुगा, ठीक है? बतगुर काचुगा नाम दिया जाता है आप ये नाम ना भी याद रखें तो चलेगा पर यह थोड़ा सा जो इंग्लिश वाले नेम है क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में यही नाम चलते हैं ठीक है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में यही नाम चलते हैं तो ये ध्यान रखिएगा ये जो है ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ठीक है यह भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और यह भी उसी रीजन में पाया जाता है जिसकी हमने बात की थी वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, पर, इस ये रिवर्स में कहां पर, जहां पर चंबल सेंचुरी है चंबल वाला मध्य प्रदेश वाला रीजन है यहां से लेकर के पूरे गंगा और गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरी है उस सभी रिवर ट्रिब्यूटरीज के रीजन में जो है ये यहां पर पाया गया था पर अब धीरे धीरे ये इन जगहों से समाप्त तो हो चुका है खासकर वेस्ट बंगाल में ये बचा है ठीक है सो so, हैबिटेट इसका कहां है फ्लोइंग रिवर एरियाज में टेरेस्ट्रियल नेस्टिंग साइट है मतलब ये लैंड पर आकर के बच्चे देता है ठीक है और उसी समय इसको पकड़ा जाता है तो इस तरीके से जो नेशनल चंबल सेंचुरी है एम यूपी का चंबल रिवर पर यहाँ पर नेशनल चंबल सेंचुरी है जहां पर हमने घड़ियाल को प्रोटेक्ट किया है चंबल सेंचुरी में याद रखिएगा चंबल सेंचुरी में घड़ियाल घड़ियाल प्रोटेक्टेड है मगरमच्छ नहीं घड़ियाल घड़ियाल अलग होता है उसका जो स्नाउट होता है वो पतला सा होता है और स्नाउट पे आगे जो है स्नाउट के आगे हम देखेंगे घड़ियाल का जो स्नाउट होता है वो पतला ऐसे होता है ठीक है और उसके स्नाउट पर यहाँ पर एक कुबड़ बना रहता है ठीक है सेंसर जैसा रहता है ठीक है चलिए ठीक है तो यह भी रूफ टर्टल भी क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है इसको बचाने के तमाम प्रोजेक्ट हैं पर खास कुछ सक्सेसफुल हो नहीं रहा है ठीक है इसके अलावा सॉफ्ट सेल टर्टल ऐसा कछुआ आपने शायद कभी देखा नहीं होगा ठीक है इसको बोलते हैं सॉफ्ट शेल टर्टल ठीक है इनका जो शेल होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है मतलब इनकी सेवेंटी परसेंट पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है ढाई सौ के आसपास ये बचे होंगे ठीक है इसका जो भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडस रिवर में गंगा रिवर में गोदावरी रिवर में तो एक तरीके से रिवर एरिया में ये पाया जाता है ठीक है कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट शेल टर्टल्स हैं यहां पर ठीक है तो एक और है जैसे ये वाला था हेडेड सॉफ्ट सेल टर्टल और ये है ब्लैक सॉफ्ट टर्टल ठीक है ये ब्लैक सॉफ्ट शेल्ट टर्टल है ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है ठीक है ये एक्सटिंक्ट इनटू द वाइल्ड है एक्सटिंक्ट इनटू द वाइल्ड जिसको हम ई डब्ल्यू कैटेगरी लिखते हैं ठीक है थीके? अगर ई एक्स लिखा हो तो एक्सटिंक्ट हो चुका है वो खत्म हो चुका है और अगर ई डब्ल्यू लिखा हो तो इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट इनटू वाइल्ड मतलब अपने नेचुरल आवासों में नेचुरल हैबिटेट रीजन में क्या हो गया है खत्म हो गया है पर अभी भी अभी भी ये प्रोटेक्ट किया गया है अपने एक्स सी टू एरियाज में ठीक है देखिए जब भी हम कंजर्वेशन करते हैं कंजर्वेशन ठीक है जीवों का जब कंजर्वेशन किया जाता है उनका संरक्षण किया जाता है तो संरक्षण जो है वो दो तरीके से हो सकता है कुछ संरक्षण होता है जिसको हम इन सी टू कहते हैं इन सी टू कंजर्वेशन और एक होता है एक्स टू कंजर्वेशन ठीक है एक्स टू कंजर्वेशन तो इन सी टू कंजर्वेशन वहां पर होता है जहां पर जो जीव जिस जिस नेचुरल हैबिटेट में पाया जा रहा है जिस प्राकृतिक आवास में वो पाया जा रहा है वहीं पर उसका संरक्षण किया जाए तो उसको हम इन सीटू कहते हैं एक्स सीटू कहते हैं जब हम वो जहां पर पाया जा रहा है वहां से ले जाकर के दूसरी कहीं किसी जगह पर उसको कंजर्व किया जाए बोटोनिकल गार्डन में जुलॉजिकल गार्डन में जू में जर्म बैंक में कहीं पर दूसरी जगह पर उसको रखा जाए तो उसको हम सीटू कंजर्वेशन तो अक्सर जो एक्सटिंक्ट इंटू द वाइल्ड कैटेगरी होती है उसका एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है वो अपने नेचुरल हैबिटेट खत्म हो चुका है पर बाहर कहीं उसको प्रोटेक्ट किया गया है तो ये एक्सटिंक्ट इनटू द वाइल्ड है मतलब ये ब्लैक सॉफ्ट शेलटर्ट जो है वो खत्म हो चुका है ठीक है इसके अलावा कई जगहों पर ये पूरी तरीके से दिखता भी नहीं है बिल्कुल खत्म हो चुका है ये असम वाले रीजन में ब्रह्मपुत्र रिवर में खासकर ये पाया जाता था ठीक है पर धीरे-धीरे ये वहां से खत्म हो चुका है इसके अलावा ये है गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल बोलते हैं गंगा इंडस और महानदी रिवर में पाया जाता है ये इसकी जनसंख्या बची हुई है वलनरेबल कैटेगरी में है फिर भी ये ठीक है थीके? तो ये पांच कछुए जो है कौन कौन से एक तो है नदन रिवर टरापिन ठीक है रेड क्राउंड रूफ टर्टल जिसको बंगाल रूफ टर्टल भी बोलते हैं ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है फिर इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये हेडेड सॉफ्ट सेल टर्टल तो दो सॉफ्ट सेल टर्टल हो गए हेडेड और ब्लैक सॉफ्ट टर्टल ठीक है तो ये वाला तो लगभग खत्म हो चुका है इसके अलावा गंगा सॉफ्ट सेल ये वल्नरेबल कैटेगरी में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉटॉइज एंड टर्टल ये दो वर्ड मिलते हैं हमको टॉटॉइज एंड टर्टल दोनों में बेसिकली अंतर क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक है जो लोग भी ऑनलाइन आ रहे हैं प्लीज सेशन को लाइक शेयर करते जाइएगा आप लोग सेशन को लाइक like शेयर करते जाइएगा ठीक है चलो तो टॉटॉइज टौ और टर्टल में क्या अंतर होता है बताइए आप लोग को अगर थोड़ा सा जानकारी हो टॉर्टोइज़ टौ और टर्टल में क्या अंतर होता है ठीक है हिंदी में दोनों को कछुआ ही बोलते हैं हिंदी में दोनों को हम कछुआ ही बोलते हैं पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉटॉइज एंड टर्टल ठीक है देखिए जो टर्टल होता है ये पानी में रहने वाला होता है हमेशा ध्यान रखेंगे टर्टल जो होता है ये पानी में रहने वाला होता है और टर्टॉइज जो है वो लैंड पर रहने वाला टर्टल्स के विंग्स होते हैं तैरने के लिए इनके विंग्स होते हैं और इनके पंजे होते हैं ठीक है टर्टॉइज के पंजे होते हैं ये टर्टल्स लैंड पर अंडे देने के लिए आते हैं और इनका तो पूरा जीवन ही लैंड पर ही बीतता है ठीक है ये स्विमिंग करते हैं ये स्विमिंग नहीं करते हैं ठीक है ये कार्निवोर्स होते हैं टर्टल जो है वो मछलियां कीड़े मकोड़े खाते हैं कार्निवोर्स होते हैं और ये वाले हर्बीवोर्स प्लांट ईटिंग होते हैं ठीक है इसके अलावा अगर हम जो वर्ड हमने यूज किया था टेरापिन टेरापिन वर्ड का क्या मतलब होता है टेरापिन आर ऑलमोस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्टल्स एंड टॉर्टॉइज नदन रिवर टेरापिन जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में था ठीक है जो जब हम किसी कछुए को टेरापिन कहते हैं इसका मतलब है उसमें टर्टल्स के भी गुण होंगे टॉर्टॉइज के भी गुण होंगे वो पानी में जाकर के तैर भी सकता है लैंड पर भी रह सकता है वो घास फूस भी खा सकता है वो मछलियां भी खा सकता है तो टर्टल और टॉर्टॉइस जो है इसका कॉम्बिनेशन जो होता है इसको हम टेरापिन कहते हैं जैसे नदन रिवर टेरापिन अभी जो हमने एक कछुआ देखा था जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो ये वाटर और डैम वाले एरिया में भी रहते हैं लैंड पर भी रह सकते हैं तो ये कुछ कछुए हैं ठीक है अलग अलग टाइम में इनको निकाला गया था बात समझ में आ गई सुमित हाँ जी सुमित समझ में आ गया ठीक से लग रहा है आपको तो ये कछुए जो है चर्चा में रहे हैं तो मैंने क्या किया इनको एक जगह पर सबको कंबाइन कर दिया तो ताकि आपके कछुओं के बारे में थोड़ा सा जो है वो जानकारी मिल जाए ठीक है कछुओं के कॉम्बिनेशन के बारे में आपको पता चल जाए ठीक है चलो नेक्स्ट आते हैं एक और टर्टल है जिसको हम कहते हैं ऑलिव रिडले टर्टल यह समुद्री कछुओं की कैटेगरी में साइज में सबसे छोटा होता है इससे यूपीएससी ऑलरेडी पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है ठीक है पर फिर भी चूंकि ये न्यूज में था तो मैंने इसको यहां पर ले लिया है ताकि आप लोग थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में रख लें ठीक है ये इस पर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है क्या क्वेश्चन इस पर ऑलिव रिडले टर्टल पर आया था ठीक है कि ये कहाँ पर पाया जाता है कहाँ से आता है और कहाँ पर मेनली इंडिया में ये पाया जाता है तो अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो है ना एक रिवर है ऋषिकुल्या रिवर ठीक है उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में लेक चिल्का से ले, रुसिकल्या रिवर के बीच में उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में ये आते हैं ये माइग्रेटरी स्पीसीज है याद रखिएगा ये बाहर से आते हैं ठीक है कहां से आते हैं पैसिफिक ओशन ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से होते हुए भारत की तरफ आते हैं ठीक है और अंडे देने के लिए खासकर आते हैं ठीक है अंडे देने पहले मेल फीमेल आएंगे मेटिंग करेंगे और फिर मेल चला जाता है ओशन में और फीमेल रुक करके अंडे देती है और बच्चों के साथ में जाती है ठीक है तो ये बड़ी मात्रा में रहते हैं तो ये एक तरीके के सी टर्टल्स हैं सी टर्टल्स हैं पर ये साइज में बहुत छोटे होते हैं सी टर्टल साइज में बहुत बड़े होते हैं पर ये सबसे छोटे साइज के सी टर्टल्स हैं वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं ठीक है वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं ये इनका फोटो आप देख सकते हैं इनको कहते हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स इस पर यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुके हैं आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ठीक है ऑलिव रिडले टर्टल्स तो ये एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज है इसे हम इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है ऑलिव रिडले टर्टल इनको पैसिफिक सी टर्टल भी कहते हैं क्योंकि ये पैसिफिक ओशन रीजन से आते हैं एक बार मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूँ ये बेसिकली आते किस रीजन से हैं ठीक है पैसिफिक सी वाला जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया से वहां से बेसिकली ये तैर करके भारत की तरफ आते हैं ठीक है पैसिफिक ओशन रीजन से ये भारत की तरफ आते हैं खासकर ये गर्म पानी के साथ में तैरते हैं इनकी एक खास बात होती है गर्म पानी की जो जल धाराएं होती हैं उसमें ये तैर करके आते हैं ठीक है और एक चीज ध्यान रखिएगा ऑलिव रिडले टटल के बारे में तो ये उड़ीसा के कुल्लिया रिवर और चिल्का झील के तटों पर आते हैं ठीक है और क्या आपको ध्यान रखना है अटलांटिक और इंडियन ओशन में पाए जाते हैं वार्म वाटर रीजन में पाए जाते हैं कोल्ड वाटर रीजन में नहीं पाए जाते तो ओशन के वार्म वाटर रीजन में ऑलिव रिडले टटल पाए जाते हैं ठीक है और ये बहुत ज्यादा मास नेस्टिंग करते हैं मतलब हजारों की संख्या में आएंगे और एक साथ अंडे देंगे इसको मास नेस्टिंग करते हैं इसको लोकल टर्म में उड़ीसा में कहा जाता है इसको लोकल टर्म दिया जाता है अरीबाडा अरीबाडा ठीक है अरीबाडा जो है इन कछुओं की मास नेस्टिंग के लिए वर्ड यूज किया जाता है ठीक है मास नेस्टिंग के लिए जब बड़ी संख्या में ये आते हैं अंडे देते हैं मास नेस्टिंग को उसको अरीबाडा लोकल टर्म में कहा जाता है ठीक है और ये उड़ीसा के तटों पर आते हैं खासकर गर्म पानी में रहते हैं ठीक है गाहिर गाहिर माथा मरीन सेंचुरी और रूसिकल्या रॉकी कोस्ट इनके लिए रिजर्व एरिया किया गया है जहां पर ये आए और अंडे दें ठीक है इनके लिए रिजर्व एरिया तो ये टर्म आप याद रखिएगा को, ओशन में मिलती है, उस को इनके लिए एक मास नेस्टिंग साइट के तौर पर रिजर्व किया गया तो खासकर ये दिसंबर के महीने में आ जाते हैं दिसंबर के महीने में मेटिंग करते हैं मई तक अंडे देते हैं और बच्चों के साथ जाते हैं ये ठीक है तो पहले मेल फीमेल दोनों आते हैं फिर दिसंबर जनवरी में, में मेटिंग होती है ठीक है मई तक अंडे और बच्चे इनके सब हो जाते हैं फिर चले जाते हैं और फिर आएंगे छः महीने बाद तो इस तरीके से इनका सीजन जो है चलता रहता है ठीक है यहाँ आप देख रहे हैं इस पिक्चर में ये बड़ी संख्या में तटों की तरफ आते हैं अब प्रॉब्लम क्या होती है क्योंकि भारत में जो तटीय क्षेत्रों में फिशिंग फिश कैचिंग का काम होता है उसमें ज़्यादातर ये करंट अफेयर बेटा ये करंट अफेयर चल रहा है मई ये करंट अफेयर जून का है ठीक है एक साल का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं ना तो ये मई जून का करंट अफेयर चल रहा है मई जून जुलाई ठीक है मई जून जुलाई 2020 का करंट अफेयर 2021 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम कवर करेंगे ठीक है सुमित चलो तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है तो बेसिकली क्या होता है कि इन्हें तटों की ओर जब ये आते हैं तो इस समय यहाँ पर फिश कैचिंग भी होती है तो फिश कैचिंग में जब मछली पकड़ते हैं तो चाइनीज नेट का प्रयोग किया जाता है मतलब नेट डाला फेंका जाता है और उस नेट को फिर खींच लिया जाता है तो मछलियां जो भी उसमें फंसती हैं तो मछलियों के साथ ये भी बहुत सारे फंस जाते हैं ठीक है इनको पकड़ा, पकड़ने के लिए मछुआरे इनको नहीं पकड़ते हैं ठीक है पर फिर भी अनजाने में ये जाल में फंस जाते हैं और जो चाइनीज प्लास्टिक नेट होता है वो इनके गलों में फंस जाता है जिसकी वजह से ये मर जाते हैं तो एक जो है हमारे यहाँ पर बैड टेक्निक्स यूज की जाती हैं फिश कैचिंग की इसके अलावा जो मोटराइज स्टीमर बोट होती हैं स्टीमर बोट क्या होती है स्टीमर बोट जब ये ऐसे तटों पर आते हैं तो स्टीमर बोट जब बहुत तेजी से पानी से निकल करके तट पर चढ़ती है तो उसमें बहुत सारे ये पिस जाते हैं क्रश हो जाते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं दिखते नहीं हैं तो क्रशिंग इनका हो जाता है तो जब भी ये नेस्टिंग के लिए आते हैं बड़ी संख्या में इनकी डेथ हो जाती है जिसके कारण जो है इंडियन गवर्नमेंट इस रीजन को प्रोटेक्ट कर देती है जिस समय ये आते हैं और जिस समय ये जाते हैं उस टाइम के लिए इस रीजन में फिशिंग वगैरह और मोटरेबल बोट वगैरह यूज करना बंद कर देती है ठीक है तो एक चीज आपको इनके बारे में ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट जो है वो इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है ठीक है ऑलिव रिडले टर्टल्स तो कोस्टल रीजन में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से भी ये समाप्त हो रहे हैं तो ओवरऑल वेबल कैटेगरी में आ चुके हैं ये, चलिए तो ये तो रहे हमारे ऑलिव रिडले टर्टल्स नेक्स्ट लेते हैं अब हम टर्टल से कछुओं से बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा दौड़ लगाते हैं ठीक है चलो, तो अगर हम देखें तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स को लेकर के ठीक है एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स को लेकर के एक रिपोर्ट पब्लिश हुई पीआईबी में ये रहा ठीक है न्यूज में रहा पीआईबी में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के टॉपिक के तहत ये हमारे एनवायरमेंट के सिलेबस में भी है ठीक है तो यहां पर अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर मतलब हमारे जो एनर्जी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री जो है इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की क्या रिपोर्ट थी रिपोर्ट थी इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स फॉर द ईयर 2018-19 ठीक है हमने 2018-19 में जितने भी तरीके अपनाए ऊर्जा के बचत करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए और कितनी ऊर्जा की हमने बचत की इसको लेकर के एक रिपोर्ट आई जिसका नाम था इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया ठीक है इस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था इस रिपोर्ट का उद्देश्य यह था कि हम ये पता लगा पाए और लोगों को यह बता पाए कि हमने एनर्जी एफिशिएंसी के लिए अब तक क्या क्या प्रोग्राम किया है ठीक है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हमने कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हैं और टोटल कितना एनर्जी सेव किया है और एनर्जी सेव करने में सीओ टू के एमिशन को हमने कितना कम किया है सीओ टू मतलब हम कोयला जला करके बिजली बना रहे हैं तो कोयला जलने से सीओ टू बहुत बड़ी मात्रा में निकलेगा ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमने कितना बचत किया है ओवरऑल एनर्जी सेविंग कैसे की जैसे पहले बल्ब यूज होता था अब एलईडी यूज होने लगा ठीक है तो कितना ज्यादा एलईडी के यूज को बढ़ाया है हमने तो जितने भी तरीके हमने अपनाए हैं उन सब तरीकों से हमने कितना एनर्जी सेविंग ओवरऑल किया है इस एनर्जी सेविंग को यहां पर प्रेजेंट किया गया है ठीक है इस रिपोर्ट के तहत इंपैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा यह रिपोर्ट रिलीज की गई है ठीक है चलिए तो अब इसमें क्या क्या है यह रिपोर्ट वैसे तो रिलीज किसने की है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पर ये रिपोर्ट तैयार किसने करवाई है ये रिपोर्ट तैयार करवाई है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई आप लोग जब भी कोई फ्रिज टीवी ये सब खरीदें, तो वहां पर देखते हैं स्टार रेटिंग बनी रहती है फाइव स्टार टू स्टार थ्री स्टार ठीक है तो उसमें लिखा रहता है कि ये साल भर में इतनी बिजली लेगा फाइव स्टार वाला होगा वो साल भर में सबसे कम बिजली कंजम्पशन करता है जो एक स्टार वाला होता है वो ज्यादा बिजली कंजम्पशन करता है तो ये जो स्टार वगैरह की रेटिंग है ये रेटिंग देने का काम करता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी तो ये जो रिपोर्ट है एनर्जी सेविंग को लेकर याद रखिए एनर्जी सेविंग को लेकर के जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ही तैयार करवाता है ठीक है तो ये आप एक कॉमन ध्यान रख सकते हैं इस संस्था का नाम याद रखिएगा तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने ये रिपोर्ट तैयार करवाई है ठीक है ये रिपोर्ट तैयार करवाई रिलीज किसने किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इन्होंने इसको रिलीज किया है और जितने भी सोर्सेज हैं उसके माध्यम से कितना इन्होंने एनर्जी बचाया है उसके बारे में हमारे सामने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है मोटे मोटे तौर पर हमको ये चीजें पता होनी चाहिए अपने देश के बारे में ठीक है हाँ जी कार्बन कार्बन उत्सर्जन में अमेरिका जो है वो सबसे आगे है पर कैपिटा उत्सर्जन उसका ज्यादा है चलिए देखिए यहाँ पर तो की फाइंडिंग इस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या रही है फाइंडिंग ये रही है कि हाल के वर्ष में 2018-19 के दौरान हमने 113 113.16 बिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बचाया है 2018-19 में हमने कितना बचाया है 113 बिलियन यूनिट एनर्जी बिलियन इलेक्ट्रिसिटी हमने बचाया है ठीक है जो कि 9.3 परसेंट ऑफ द नेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मतलब हमारा नेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जितना है उसमें लगभग 10 परसेंट की हमने बचत की है ठीक है मोटा मोटा आपको याद रहेगा कि हमने लगभग 113 सौ बिलियन यूनिट बिजली बचाई है एक बिलियन में सौ करोड़ होता है यहां पर एक बिलियन यूनिट की बात हो रही है और ये जो एक हमने बिजली बचाई है ये हमारे ओवरऑल बिजली कंजम्पशन का 10 प्रतिशत है तो हमारी सेविंग दस प्रतिशत सेविंग हमारी हो गई बिजली को हमने यहां पर दस प्रतिशत बिजली को हमने बचा लिया ये बात आपको ध्यान रखना है ये जो दस प्रतिशत बिजली हमने बचाई है एक सौ तेरह बिलियन यूनिट जो बिजली बचाई है ये बिजली तेईस तेईस मिलियन टन ऑयल के बराबर है ठीक है तेईस मिलियन टन जो हम पेट्रोलियम बर्न करते उसमें जितना एनर्जी निकलता उसके बराबर है ये डेटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पर मोटा मोटा आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट के पॉलिसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से काफ़ी हद तक हम बिजली की बचत करने लगे हैं अब ठीक है क्यों बिजली की बचत करना जरूरी है क्योंकि हमारे यहां पर सबसे ज्यादा बिजली जो है वो कैसे उत्पादित होती है वो उत्पादित होती है थर्मल पावर से और थर्मल पावर में हम कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि कोयला जला करके बिजली तो को होगा जितना कम कार्बन एमिशन होगा उतना कम ग्लोबल वार्मिंग होगा क्योंकि भारत ने कसम खाई है कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी को हम आने वाले वर्ष में 2030 तक ओवरऑल एनर्जी यूज में 40 परसेंट हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होगा सोलर एनर्जी विंड एनर्जी इन सब का यूज होगा तो भारत ने अपने 2030 तक के जो टारगेट रखे हैं उसके लिए एक तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है उत्पादन करना उसका है उसका प्रयोग बढ़ाना है साथ में जो हम थर्मल एनर्जी प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी एनर्जी का सेविंग करते जाना है एनर्जी को हमें क्या करना है बचत करना है ठीक है हाँ जी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल बिल्कुल ठीक है जो इलेक्ट्रिकल ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है पर ईवी व्हीकल को लेकर के जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ईवी व्हीकल्स का जो बैटरी बनता है वो लिथियम से बनता है लिथियम बैटरी लगभग 10 साल तक उसमें चलती है उसके बाद खराब हो जाती है तो लिथियम हमारे पास है नहीं और लिथियम को क्या करने में लिथियम को रिसाइकल नहीं किया जा सकता है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इसको लेकर के कि लिथियम को रिसाइकल ना कर पाने के केस में ठीक है अर्थ आर किस मंथ में मनाते हैं ठीक है अर्थ आर जो है वो मार्च के महीने में मनाते हैं मार्च के महीने में मनाते हैं अर्थ आर ठीक है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो ही अर्थ आर पिछले मैंने वीडियो में पढ़ाया भी था आप लोगों को ठीक है चलिए तो ये ध्यान रखिएगा कि हमने काफी ऊर्जा बचत के प्रोग्राम जो है वो चलाए हैं जिसमें हमने करीब तेईस मिलियन टन ऑयल के बराबर ऊर्जा बचत की है ठीक है तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिए अब ये जो ऊर्जा की बचत की है हमने ये किस माध्यम से की है अगर हम इस जितना हमने ऊर्जा बचत किया है इसमें हमने कार्बन के एमिशन को कितना कम किया इस ऊर्जा बचत करने में तो इसमें हमने करीब 151 मिलियन टन CO2 के एमिशन को रिड्यूस किया है ठीक है तो आप मोटा-मोटा याद रख सकते हैं भारत का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है 150 मिलियन टन कार्बन को हमने CO2 के उत्सर्जन को कम किया है ठीक है CO2 के उत्सर्जन को हमने कम किया है 150 मिलियन टन के आसपास जो है हमने इसको कम किया है ठीक है अब ये जो हमने बचत की है जो एनर्जी की बचत की है ये किन तरीकों से की है तो एनर्जी की बचत करने में एक बहुत बड़ा रोल है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम जिसको हम पैट स्कीम बोलते हैं ठीक है परफॉर्म अचीव और ट्रेड स्कीम जिसको हम पैट स्कीम बोलते हैं तो पैट स्कीम बेसिकली क्या है पैट स्कीम स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम जिसमें हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम स्टार रेटिंग देते हैं ठीक है वो एक काम यहां पर किया गया है उजाला प्रोग्राम चलाया गया है जिसमें एलईडी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत जगह पर एलईडी और बहुत सब्सिडाइज रेट में एलईडी बेचा जा रहा है ठीक है तो वो उजाला स्कीम है और म्यूनसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम जिसमें जितना भी मुंसिपैलिटी एरिया है वहां पर स्ट्रीट लाइट जो है वो एलईडी और सोलर वाली लगाई जाए इन सब का जो हमने प्रयोग किया उससे हमने बहुत सारा बिजली बचाया है तो एक बार इस टर्म को थोड़ा समझ लीजिए व्हाट व्हाट इज इज पैट पैट स्कीम 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 परफॉर्म ट्रेड देखिए के माध्यम से गवर्नमेंट ने ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया है ऐसी कंपनीज को प्रोत्साहन दिया है जो इलेक्ट्रिसिटी उत्सर्जन में ऐसे इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हैं जिससे हम कार्बन का इमिशन रिड्यूस करें देखिए अब क्या होगा जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक होता है टर्म कार्बन क्रेडिट कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि एक कंट्री का पॉपुलेशन साइज के हिसाब से उसको कार्बन उत्सर्जन का लिमिट दिया जाता है ठीक है मान लीजिए कि देर इज कंट्री ए कंट्री ए जो है वो हंड्रेड यूनिट्स ऑफ कार्बन ठीक है हंड्रेड यूनिट्स ऑफ सीओ टू का एमिशन कर सकता है इसका इसको लिमिट दिया गया कि आप हंड्रेड यूनिट एमिशन कर सकते हैं अब इसने क्या किया इसका जो ओवरऑल एमिशन रहा वो यूनिट तो बचा कितना दस है? अब ये जो दस यूनिट्स है ये इसका क्रेडिट हो गया ये दस यूनिट उस कंट्री को बेचेगा जैसे कंट्री बी था ठीक है कंट्री बी था इसका भी हंड्रेड यूनिट था हंड्रेड यूनिट था पर इसने कितना कार्बन एमिशन किया इसने एक सौ दस यूनिट कार्बन एमिशन कर दिया तो इसको दस यूनिट का क्रेडिट खरीदने की जरूरत है तो कंट्री ए अपना दस यूनिट जो बचाया इसने ये दस यूनिट इसको बेच देगा इसका पैसा मिल जाएगा इसको ठीक है तो इसको हम कहते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग उसी तरीके से भारत ने अपने यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया है परफॉर्म अचीव और ट्रेड स्कीम के माध्यम से जिसमें एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा ठीक है 2011 से ये चल रहा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसको चलाता है ठीक है नेशनल मिशन ऑफ एनर्जी एफिशियंसी ये नेशनल मिशन के तहत ये चल रहा है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि जो भी जो भी इंडस्ट्री जो है वो अपने निर्धारित अब यहां पर किसी कंपनी को कार्बन उत्सर्जन का लिमिट दिया जाता है वो अपने लिमिट से कम उत्सर्जन करेगी तो उसको क्रेडिट मिलेगा और उस क्रेडिट को वो बेच सकता है दूसरी कंपनीज को जिन्होंने अपने लिमिट से ज्यादा उत्सर्जन किया है जैसे एनटीपीसी है एनटीपीसी अक्सर जो है वो क्या करती है अपने लिमिट से कम उत्सर्जन करके अपने क्रेडिट्स को बेच करके भी प्रॉफिट कमाती है ठीक है तो ये जो क्रेडिट्स आपको मिलते हैं किसी कंपनी को मिलेंगे इसे आप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ये दो कंपनी एस्टेब्लिश की गई हैं जो कि इन क्रेडिट्स के ट्रेडिंग में कंपनीज का मदद करते हैं तो इसे हम कहते हैं परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम या पैट स्कीम ठीक है इसे हम पैट स्कीम कहते हैं तो ये पैट स्कीम के माध्यम से हमने काफी सारा एनर्जी सेविंग करने का काम किया है ठीक है अब इसमें लोग प्रोत्साहित होंगे ना हम कम हम अच्छे अच्छी मशीनें यूज करें जिसमें एमिशन कम हो एमिशन कम होगा तो हमें क्रेडिट मिलेगा और उस क्रेडिट को बेच करके भी हम पैसा कमा सकते हैं ठीक है बात समझ में आई आप लोगों को तो एक हमारी पैट स्कीम है जिसके माध्यम से एमिशन कम किया गया है दूसरा है स्टैंडर्ड एंड लेबरिंग प्रोग्राम जिसमें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को स्टार रेटिंग देगा स्टार रेटिंग के माध्यम से कस्टमर यह जान पाएगा ठीक है दिस इज इन्फॉर्म्ड चॉइस अबाउट द एनर्जी आप एसी खरीद रहे हैं तो आप पाँच स्टार वाला एसी खरीदेंगे ताकि इससे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होगा जब कंजम्पशन कम होगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा ठीक है तो कंज्यूमर जो है वो भी क्या होगा वो भी मोटिवेट होगा अच्छी रेटिंग वाले इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए तो ये भी दिया जाता है स्टार रेटिंग डिस्प्ले द एनर्जी परफॉर्मेंस लेवल्स जिससे कस्टमर कंज्यूमर को पता चले और वो मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन वाले ही खरीदे तो इस तरीके स्टार लेबलिंग की जाती है, short, इसको बोलते है उजाला स्कीम तो उजाला स्कीम के माध्यम से उजाला स्कीम के माध्यम से भी हम क्या कर रहे हैं हम एलई डी बल्ब को तो अगर उजाला स्कीम पूछे तो याद रखिएगा एलईडी बल्ब जो पुराने बल्ब यूज होते थे आर्गन बेस्ड बल्ब जो थे उनके जगह पर जो एलईडी बल्ब हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन को क्योंकि एलईडी हाई कॉस्ट होते हैं तो इसमें हमें हाई कॉस्ट की वजह से ये महंगे बिकते हैं तो लोग इनको प्रेफर नहीं करते तो इसमें उजाला स्कीम के माध्यम से बहुत सारे विलेजेस में ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है ठीक है अभी कई राज्यों ने अपने यहां पर उजाला स्कीम के तहत जो विलेजेस हैं वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट एलईडी दी हुई है ठीक है सो हाई कॉस्ट ऑफ एल ईडी एक्टेड एज अ बैरियर प्रीवियसली लोग खरीदते ही नहीं थे क्योंकि हाई कॉस्ट थी एनर्जी एफिशियंसी तो है इसमें पर हाई कॉस्ट होती थी ठीक है बल्ब आपको मिल जाएगा पंद्रह रुपए बीस रुपए में एल ई लेने जाएंगे सौ डेढ़ सौ रुपए में मिलेगा ठीक है पर चूंकि बल्ब कंजम्पशन बहुत ज्यादा है एल ईडी बारह वॉट में होगी और बल्ब जो है वो सौ वाट का होगा तो कंजम्पशन के मामले में पांच गुना है बल्ब ज्यादा लेता है तो इसलिए एल ई डी को इस स्कीम के माध्यम से क्या हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और ये ऑब्जेक्टिव रखे गए कि हम 77 करोड़ ठीक है 77 करोड़ बल्ब को रिप्लेस करके ठीक है रिप्लेस करके जब ये 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो उसमें टारगेट रखा गया था कि 77 करोड़ बल्ब को रिप्लेस करके एलईडी बल्ब हम बांटेंगे ये उजाला स्कीम के तहत रखा गया था तो उजाला स्कीम को इंप्लीमेंट करके पैट स्कीम को इंप्लीमेंट करके स्टैंडर्ड लेबलिंग को इंप्लीमेंट करके बहुत सारी एनर्जी बचाई गई जिसको एक रिपोर्ट के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पब्लिश करके सबको बताया ठीक है हिंदू में ये रिपोर्ट पब्लिश भी हुई थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ठीक है एक है म्यूनसिपल डिमांड मैनेजमेंट प्रोग्राम जिसमें म्यूनसिपैलिटी और अर्बन लोकल बॉडीज़ में जितना भी स्ट्रीट लाइट लगेगा वो एलईडी का लगेगा ये मैंडेटरली किया गया ठीक है तो इस प्रकार से एनर्जी सेविंग का काम करने में जो संस्था सबसे आगे है उसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ठीक है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ठीक है ये एक वैधानिक संस्था है कानूनी संस्था है याद रखिए कोई प्राइवेट संस्था नहीं है ये एक वैधानिक और कानूनी संस्था है 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत इसको बनाया गया था 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत इसको बनाया गया था यह क्या करती है Developing policies with objective of reducing energy intensity. अब एक टर्म आपको याद रखना है। है? है? क्या ठीक तो यह एनर्जी इंटेंसिटी पर काम करती है अब एनर्जी इंटेंसिटी का मतलब क्या है यह भी थोड़ा सा जान लीजिए जब हम अपने जीडीपी में उत्पादन करते हैं ठीक है तो जीडीपी में एड ऑन होगा जैसे मान लीजिए हमने मैन्युफैक्चरिंग किया मैन्युफैक्चरिंग करके चीजों को बेचा तो वो हमारे जीडीपी में एड ऑन होगा ना जीडीपी में उस में एड ऑन किया जाएगा ठीक है अच्छा स्क्रीन शॉट लेना है आपको ये मैं पूरा फाइल ही डलवा दूंगा ठीक है तो आप इसको जो हमारा ऐप है एग्जामपुर का ऐप है उसमें लक्ष्य प्रोग्राम चलता है यूपीएससी में उसमें जाकर के आप इस फाइल को ही डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है बाकी स्क्रीन लेना हो तो आप लोग ले लीजिए तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी जो है वो काम करता है ठीक है रेटिंग वगैरह देने का काम करता है और एनर्जी सेविंग के संबंध में काम करता है अच्छा हम बात कर रहे थे व्हाट इज एनर्जी इंटेंसिटी ठीक है तो जब भी हम जीडीपी में कुछ उत्पादित करते हैं ठीक है जीडीपी में उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के दौरान हमने क्या किया है हमने एनर्जी खर्च की है ना जैसे मान लीजिए कि ये बनाने के लिए हमने फैक्ट्री लगाई फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई इसके उत्पादन के दौरान ऊर्जा यूज़ हुई ठीक है तो उत्पादन के दौरान जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो हमारा एक यूनिट में एक यूनिट उत्पादन करने में जैसे एक यूनिट पेन है ठीक है एक यूनिट के उत्पादन करने में हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया ये एनर्जी इंटेंसिटी को दिखाता है अगर हमने ज्यादा एनर्जी यूज करके इसका उत्पादित किया है मतलब हाई एनर्जी इंटेंसिटी है ठीक है तो इसको लेकर के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इस पर काम करता है कि हम कम एनर्जी खर्च करके ज्यादा उत्पादन करें ठीक है तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी तो यूएनएफसीसी के माध्यम से भारत ने प्लेज किया है क्या प्लेज किया है कसम खाई है क्या कसम खाई है कि वी विल ब्रिंग डाउन आर एनर्जी इंटेंसिटी ठीक है एनर्जी इंटेंसिटी हम एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे कितना करेंगे तैतीस से पैंतीस प्रतिशत कब तक करेंगे दो हजार तीस तक करेंगे मतलब 2005 में इन्होंने ये प्लेज किया कि हम जितना भी हम जितना भी उत्पादन करने में जितना एनर्जी खर्च करते हैं ठीक है मान लीजिए कि 100 यूनिट एनर्जी खर्च हो रही है ओवरऑल हमारी इकोनॉमी उत्पादन करने में तो जितना हम उत्पादन करने में एनर्जी खर्च करते हैं उसमें हम 2030 तक 30 से 35 परसेंट की गिरावट कर देंगे तो जो हम उत्पादन 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च करके करते थे वो उत्पादन हम अब 70 यूनिट में ही खत्म कर देंगे तो जब हम एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे तो हमारी जीडीपी और ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग होगा ना तो इसको हम कहते हैं एनर्जी इंटेंसिटी ये वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा एनर्जी इंटेंसिटी तो एनर्जी इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ जी ठीक है वन यूनिट ऑफ जीडीपी को उत्पादन करने में हम जितना हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं एनर्जी इंटेंसिटी ठीक है तो इंडिया अभी तक कितना एनर्जी इंटेंसिटी कर चुका कर चुका है ट्वेंटी परसेंट ठीक है इंडिया अभी तक ट्वेंटी परसेंट एनर्जी इंटेंसिटी जो है वो क्या कर चुका है अचीव कर चुका है हमारा टारगेट कितना तीस से पैंतीस परसेंट तक जाना तो जो हम पहले खर्च करते थे ऊर्जा उसमें 30-35% परसेंट की कमी करनी है हमको जीडीपी के उत्पादन में ठीक है तो ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है बीई जो है वो एनर्जी इंटेंसिटी पर काम करता है एनर्जी इंटेंसिटी को लगातार रिड्यूस करना इसका टारगेट है एनर्जी सेविंग होगी इससे जी हमारी और ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगी बात समझ में आई क्लियर हुआ आप लोगों को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। <tok> तो एक रिपोर्ट ये हो गई नेक्स्ट हम लेते हैं एक नेशनल पार्क से करंट अफेयर ठीक है कौन सा नेशनल पार्क है इस नेशनल पार्क का नाम है दिब्रू सैखोब नेशनल पार्क ये नेशनल पार्क न्यूज में क्यों रहा है दिब्रू सैखोब नेशनल पार्क ये नेशनल पार्क न्यूज में क्यों रहा है इसको हम देखेंगे इसकी लोकेशन आप लोग एक बार देख लीजिए पहले दिब्रू सैखोब नेशनल पार्क लोकेशन देख लीजिए ठीक है यह दिख रहा है मैप आप लोगों को मैप दिख रहा है क्लियरली बताइएगा आप लोग यहां पर अगर आप देखिए तो ये जो रीजन है ये है पूरा दिब्रू सैखोब नेशनल पार्क ठीक है दिब्रू सैखोब नेशनल पार्क अब यहां पर इधर से जो ये रिवर आ रही है ठीक है यह रिवर है ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र रिवर ठीक है ब्रह्मपुत्र रिवर को ब्रह्मपुत्र रिवर को अरुणाचल में क्या कहते हैं अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र रिवर को कहते हैं सियांग या दिहांग ठीक है इसको बोलते हैं सियांग या दिहांग रिवर तो ये आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर ठीक है ब्रह्मपुत्र रिवर ये इधर से आ रही है इधर सियोम रिवर है अब थोड़ा सा चूंकि ये एरिया चर्चा में है तो इसकी रिवर्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ठीक है इसकी रिवर्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तो रिवर्स के बारे में ध्यान रखिएगा ये है सियांग रिवर जी सियांग रिवर ही ब्रह्मपुत्र रिवर है इसको हम अरुणाचल में सियांग या दिहांग बोलते हैं ठीक है सियांग या दिहांग रिवर बोलते हैं ये सियांग रिवर आ रही है इधर से सियोम रिवर है ठीक है इधर जो रिवर है वो है सियोम रिवर तो ये रिवर भी आप थोड़ा याद रखिएगा सियोम रिवर आकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है मतलब सियोग में मिल जाती है जब ब्रह्मपुत्र असम में एंटर होती है सादिया प्लेन में तो वहां पर इसको नाम मिलता है ब्रह्मपुत्र अरुणाचल में इसका नाम सियांग होता है या दिहांग नाम होता है ठीक है या सी कियांग बहुत जगह पर सी कियांग बोला जाता है इसको यह रिवर इसमें इधर मिल रही है दिबांग रिवर यह आ रही है इसमें दिबांग रिवर ठीक है तो यहां आप लोगों को दिख रहा होगा उधर से आ रही है दिबांग रिवर दिबांग रिवर के अलावा ये वाली ये वाली जो रिवर आ रही है ठीक है तो ये इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र जिसको हम सियांग रिवर कहते हैं ब्रह्मपुत्र इधर से आ रही है दिबांग ठीक है और इधर से आ रही है लोहित रिवर यह रिवर यूपीएससी में पहले पूछे जा चुके हैं ठीक है ये लोहित रिवर आ रही है इधर लोहित रिवर आ रही है ठीक है ये वाली लोहित रिवर आ रही है और इधर से नाउ दिंग रिवर आ रही है ये रिवर थोड़ा लोकेशन याद रखिएगा इन रिवर का जहां पर एडजॉइनिंग होता है ठीक है वहां पर एक लैंड एरिया यहां बीच में आइलैंड जैसा क्रिएट होता है इसको कहते हैं दिब्रू सैखोब नेशनल पार्क ठीक है दिस इज कॉल्ड दिब्रू सैखोब नेशनल पार्क ठीक है अब याद रखिएगा दिब्रू सैखोब नेशनल पार्क के ईस्टर्न साइड से जो रिवर बह रही है इसको हम दिब्रू रिवर कहते हैं ये लोहित का ही एक स्ट्रीम है ठीक है दिब्रू रिवर बात समझ में आई तो इस जगह पर ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पर

तेल के कुएं जो है वो असम रीजन में ही लगाए तो यहां पर ऑयल वेल ठीक है इंडियन ऑयल लिमिटेड का ऑयल वेल है जहां पर ब्लो आउट हुआ ठीक है मतलब बहुत तेजी से ऑयल स्पिल हुआ जिसको इस रीजन को कहते हैं ऑयल्स बागजान ऑयल फील्ड ठीक है इसको बागजान ऑयल फील्ड कहते हैं तो दिब्रू सैखोव नेशनल पार्क में बग्जान ऑयल फील्ड के आसपास ईस्टर्न असम का रीजन है यहाँ पर ऑयल ब्लो आउट हुआ जब बहुत तेजी से प्रेशर से ऑयल ब्लो आउट निकलता है तो बगजान ऑयल फील्ड एड जॉइन एरिया है किसका मगुरी वेटलैंड एरिया जो कि दिब्रू सैखोव नेशनल पार्क से सटा हुआ है ठीक है यहां पर बहुत ज़्यादा रिवर का है तो वेटलैंड एरिया बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर डिब्रू सैखोब नेशनल पार्क के आसपास बड़ा सारा ऑयल डिपोजिशन जो है वो देखा गया जिसकी वजह से डिब्रू सैखोब नेशनल पार्क चर्चा में रहा डिब्रू सैखोब नेशनल पार्क एक बायोस्फेयर रिजर्व भी है ठीक है बायोस्फेयर रिजर्व जो है ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है ठीक है भारत में देर आर नाइन बायोस्फीयर रिजर्व तो आप देखें तो याद रखिएगा बायोस्फेयर रिजर्व है दिब्रू सैखो एक नेशनल पार्क भी है जो भारत सरकार डिसाइड करती है और यूनेस्को का एम ए बी प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फेयर रिजर्व प्रोग्राम उसके तहत बायोस्फेयर रिजर्व भी इसको डिसाइड किया गया है तो ये एक बहुत प्रोटेक्टेड एरिया है और यहां पर ऑयल स्पिल होना मतलब यहां पर पाई जाने वाली प्रजातियों के लिए खतरा है ये ठीक है तो ये पार्क जो है ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर और इसके अलावा दिब्रू रिवर के बीच में पड़ता है और रिवर के माध्यम से ऑयल बहुत तेजी से बह करके किनारों पर भी पहुंचता है ठीक है जिसकी वजह से ये जगह जो है वो चर्चा में रही है ठीक है ये रहा डिब्रू सैखोब नेशनल पार्क तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ का वेजिटेशन हम अगर देखें तो यहाँ पर सेमी एवरग्रीन मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एरिया पाया जाता है ठीक है बड़ी मात्रा में यहां पर क्या होते हैं वन हॉर्न हा, रीनो मतलब गेंडे जो है एक सींग वाले गेंडे का ये प्रमुख स्थान है इसके अलावा यहाँ पर बंगाल टाइगर इंडियन लेपर्ड क्लाउडेड लेपर्ड स्लॉथ बियर गंगा डॉल्फिन रीसस मकैक मतलब बंदर होता है एक तरीके का ये कैब लंगूर एशियन एलिफेंट ठीक है सांभर डियर हॉग डियर, बार्किंग डियर इस तरीके के तमाम हिरन और इन सब चीज प्रजातियां पाई जाती हैं तो एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी और फ्लोरा और फोना के मामले में बहुत रिच रीजन माना जाता है यह। और यहां पर ऑयल स्पिल इन सब के लिए खतरा है ठीक है तो इस वजह से डिब्रू सैखोब नेशनल पार्क और डिब्रु सैखोब बायोस्फेयर रिजर्व जो है वो चर्चा में रहा है ठीक है नाउ लेटेस्ट मूव टू नेक्स्ट करंट अफेयर विच इज नेत्रावली ठीक है? नाउ नेत्रावली सेंचुरी है ठीक है एक होता है नेशनल पार्क एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नेशनल पार्क वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टेड होता है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्शन होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं तो उसी तरीके का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि गोवा में है गोवा का नेत्रावली सेंचुरी चर्चा में क्यों रहा है क्योंकि भारत में बहुत कम मात्रा में ब्लैक पैंथर पाए जाते हैं काले कलर के एकदम दिखाई पड़ते हैं आपने अगर मोगली एक कार्टून आता था हम लोगों के बचपन के टाइम में मोगली तो मोगली में एक था बघीरा काला एकदम जिसको हम ब्लैक पैंथर कहते हैं ठीक है तो ब्लैक पैंथर जो है ये गोवा में स्पॉट किया गया है ठीक है बहुत कम ब्लैक पैंथर हैं और बहुत यदा-कदा इनको देखा जाता है ठीक है तो एक ब्लैक पैंथर जो है वो स्पॉट किया गया दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम अ ब्लैक पैंथर हैज बीन कैप्चर्ड ऑन कैमरा इन द सेंचुरी पहली बार ऐसा हुआ है कि नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा की जहां पहली बार ब्लैक पैंथर जो है वो देखा गया है ठीक है यहां पर पहली बार ब्लैक पैंथर कैमरे में कैप्चर हुआ अब नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साउथ ईस्ट गोवा में सिचुएटेड है ठीक है यह साउथ ईस्ट गोवा में सिचुएटेड है और यहां पर यह सेंचुरी मोलेम नेशनल पार्क ठीक है मोलेम नेशनल पार्क के बाउंड्री पर पड़ती है तो इसके आसपास एक दो और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जैसे कोटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मोलेम नेशनल पार्क ये लगभग एक ही जगह पर स्थित है ठीक है और ये नेत्रावली नाम की एक नदी है ठीक है नेत्रावली या नेत्रौली बोलते हैं इसको इस नाम की एक नदी है उस वो नदी इसके अंदर से बहती है और ये नदी एक ट्रिब्यूटरी है गोवा की प्रमुख नदी जुआरी की ट्रिब्यूटरी है गोवा में दो प्रमुख नदियां हैं खासकर मांडवी और जुआरी मांडवी और जुआरी जो दूध सागर झरना है जो कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में एक बड़ा सा झरना दिखाया ना ट्रेन जहां से गुजरती है वो मांडवी नदी का झरना है उसी तरीके से गोवा की एक और प्रमुख नदी है जुआरी नदी तो जुआरी नदी की ट्रिब्यूटरी है नेत्रावली नदी इसी नदी पर स्थित है नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां पर पहली बार जो है वो ब्लैक पैंथर देखा गया है एक बार इसका फोटो देख लीजिए जो ब्लैक पैंथर होता है ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल से ब्लैक होता है ठीक है ऐसा नहीं है कि ब्लैक पैंथर जो है वो बिल्कुल ब्लैक होता है इसके स्किन पर भी स्पॉट होते हैं पर वो स्पॉट ब्लैक कलर के कारण दिखाई नहीं पड़ते हैं ठीक है ब्लैक पैंथर है क्या बेसिकली ये टाइगर है लेपर्ड है जेगुआर है ये है क्या ठीक है ये बेसिकली है क्या तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें ये बेसिकली लेपर्ड कैटेगरी है इंडिया में ये लेपर्ड कैटेगरी में रखा जाता है ठीक है तो थोड़ा सा अंतर देख लीजिए जेगुआ चीता होता है भारत में चीता खत्म हो चुका है तो चीता के जो स्पॉट होते हैं वो ये वाले हैं ये वाले स्पॉट जो हैं आप देख रहे हैं ये स्पॉट चीता के हैं ठीक है एकदम सॉलिड स्पॉट होंगे उसके उनमें कोई जगह नहीं होगी ये चीता के स्पॉट हैं ठीक है चीता चीता भारत से खत्म हो चुका है चीता का जो मुंह होता है वो छोटा होता है और मुंह के साइड में यहां पर लाइनिंग होती है ठीक है आपको डिस्कवरी नेशनल जियोग्राफी में ही देखने को मिलेगा इंडिया में चीता नहीं है चीता के अलावा भारत में जो पर्याप्त मात्रा में होते हैं वो होते हैं लेपर्ड ठीक है ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये वाला ये स्पॉट इसको बोलते हैं क्योंकि इसके स्पॉट एल शेप के होते हैं इस वजह से इसको लेपर्ड बोलते हैं ठीक है इसके जो स्पॉट होते हैं ये एल शेप के होते हैं इस वजह से इसको लेपर्ड नाम दिया जाता है ये आप याद रखने के के लिए तो इसके स्पॉट इस तरीके के होते हैं ठीक है एल शेप टाइप के स्पॉट होंगे लेपर्ड के तो जो ब्लैक पैंथर देखा गया है वो लेपर्ड कैटेगरी का है सो ब्लैक पैंथर इज इन ब्लैक कलर पर उस पर भी क्या होते हैं ऐसे चित्ती होती है ठीक है ऐसे स्पॉट होते हैं पर वो स्पॉट ब्लैक कलर के कारण दिखाई नहीं पड़ते हैं तो ये जो है लेपर्ड ब्लैक पैंथर ये वलनरेबल कैटेगरी में है ठीक है ये वलनरेबल कैटेगरी में है हाँ जी लेपर्ड कैटेगरी में आता है ब्लैक पैंथर इंडिया में और यूएसए में इसको जेगुआर कैटेगरी में रखते हैं ठीक है तो ये जो ब्लैक पैंथर है ये लेपर्ड कैटेगरी में आता है ठीक है लेपर्ड कैटेगरी में है वेरिएंट ऑफ लेपर्ड एक तरीके का ये क्या है लेपर्ड है ठीक है और एशिया अफ्रीका में ये लेपर्ड कैटेगरी में है और अमेरिका में ये जेगुआर कैटेगरी में है ठीक है और वो उधर वाला जो स्पॉट आपको दिख रहा है वो जेगुआर का है। है, एस, इसमें ऐसा माना जाता है, एक सीधा जे बना रहता है एक उल्टा जे बना रहता है ठीक है और उसके बीच में एक डॉट होता है ठीक है इस तरीके से, उसके बीच में एक डॉट होता है तो ये जेगुआर कैटेगरी है ठीक है इनके स्पॉट ऐसे होते हैं तो एशिया और अफ्रीका में जो ब्लैक पैंथर है वो लिपर्ड कैटेगरी में है और अमेरिका में जो ब्लैक पैंथर है वो जेगुआर कैटेगरी में है ठीक है ठीक एनीवेज भारत के हम पढ़ रहे हैं तो भारत में याद रखिएगा ये रहेगाबल कैटेगरी में है और कैटेगरी में आता है ब्लैक पैंथर ठीक है ध्यान रखेंगे दिस इज ब्लैक पैंथर इसके भी स्किन पे स्पॉट होते हैं पर वो ब्लैक कलर के कारण वो स्पॉट हमें कभी भी दिखाई नहीं पड़ते हैं ठीक है तो ये ये देखा गया है पहली बार गोवा के नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जिसकी वजह से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रही है ठीक है एरियाज अगर देख लें ब्लैक पैंथर के किन किन एरियाज में पाया जाता है ठीक है तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है केरला में वहां पर ब्लैक पैंथर पाया जाता है ठीक है और भादरा टाइगर रिजर्व वाला कर्नाटक में जो रीजन है दांडेली भादरा कबीनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर पाया जाता है कर्नाटक वाले रीजन में इसके अलावा अचानकमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ वहाँ पर पाया जाता है ठीक है मादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में पाया जाता है और मधुमुलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में ज़रूरी नहीं आप इन सबको याद रखें यहाँ पाया जाता है पर ये भारत में काफ़ी कम मात्रा में है वल्नरेबल कैटेगरी में नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहली बार स्पॉट किया गया देखा गया ठीक है नेशनल जियोग्राफी ने इस पर पूरा एक सीरीज भी बनाया है क्योंकि ये ब्लैक होता है तो इसको दूसरे लेपर्ड जो है वो अलग मानते हैं ठीक है थीके? पर इसका पूरा बिहेवियर पूरा ईटिंग पैटर्न हैबिटेट बिल्कुल लेपर्ड के जैसा ही है पर इसको अलग मानते हैं तो इसको अपनी जगह बनाने में बहुत मुश्किल होती है ठीक है तो टाइगर जो बाघ होता है वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है और बाघ इससे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो इसको मार के भगा देता है बाकी लेपर्ड भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं ठीक है थीके? तो इसके सामने ये प्रॉब्लम रहती है ऐसा नेशनल जियोग्राफी वाली उस डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा था ठीक है तो आप ध्यान रखिएगा नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहली बार ये स्पॉट किया गया है चलो आते हैं जुलाई के करंट अफेयर में इसमें भी यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक हम ले रहे हैं ये सारे टॉपिक मैंशन कर दिया हूँ मैं ठीक है चलो तो ये आपका मई जून के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं अब हम जुलाई के कुछ टॉपिक्स यहां पर लेंगे आप लोगों को स्लाइड पीछे की दिख रही है ना प्रॉपर वर्ड्स दिख रहे हैं ठीक है पहला हमारा टॉपिक है द हिंदू में इस पर आर्टिकल आया था ठीक है ये टॉपिक है सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में ठीक है किसके बारे में सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में तो द हिंदू से इसका मैंने नोट्स प्रिपेयर किया था सेंट्रल जू अथॉरिटी तो क्या है सेंट्रल जू अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने सेंट्रल जू अथॉरिटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है फिर से इसका गठन मतलब इसके गठन में कुछ संशोधन किया है ठीक है तो मिनिस्ट्री ने सेंट्रल जू अथॉरिटी में कुछ एक्सपर्ट्स और डाले हैं ठीक है तो इसका जो बोर्ड है बोर्ड में मेंबर्स की संख्या में परिवर्तन आया होगा तो जिसकी वजह से ये चर्चा में हमेशा देखिए कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि किसी ना किसी लीगल बॉडी से रिलेटेड होगा एनवायरमेंट की ठीक है एनवायरमेंट की लीगल बॉडी से रिलेटेड होगा तो यहां पर अब जो एक बॉडी है इसका इसको आप याद रखिएगा इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है जिसकी वजह से ये चर्चा में आई है ठीक है सेंट्रल जू अथॉरिटी तो सेंट्रल जू अथॉरिटी में दो नए मेंबर ऐड किए गए हैं पहले ये नहीं होते थे एक मेंबर इसमें है आएगा कहां से स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर डेली में है गवर्नमेंट का है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में से एक इसमें शामिल किया जाएगा और दूसरा कोई भी मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट होगा ठीक है मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट होगा वो इसमें शामिल किया जाएगा जिसकी वजह से ये न्यूज में रहा है ठीक है तो इसमें दो नए मेंबर ऐड किए जाएंगे अब जान लेते हैं थोड़ा सा सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में सेंट्रल जू जू अथॉरिटी जो है दिस इज बेसिकली ए स्ट्रेच्यूटरी बॉडी है

तो इसका चेयरमैन जो भी इन्वायरमेंट मिनिस्टर होगा जैसे अभी प्रकाश जावड़ेकर हैं, तो वो इसका चेयर करेंगे चेयर करेंगे मतलब इसके हेड माने जाएंगे ठीक है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन नेशनल एफर्ट इन कंजर्वेशन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी रक्षा करने में वैसे भी जू जो होता है वो एक्स टू कंजर्वेशन होता है किसी जानवर को जब हम जंगल से निकाल करके जू में रखते हैं मतलब जू में हम उसको संरक्षित कर रहे हैं तो एक्सिटू कंजर्वेशन जू कहलाता है तो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसकी रक्षा करने में ये अपना रोल प्ले करता है अकॉर्डिंग टू नेशनल जू पॉलिसी नाइनटीन नाइनटी एट ठीक है इसका फंक्शन क्या है इसका फंक्शन क्या है तो याद रखिएगा ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आता है इसका जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है वो सेंट्रल जू अथॉरिटी का हेड होगा उसके अलावा और मेम्बर होते हैं तो इसका थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन देख लेते हैं ये कैसे बना होता है ठीक है अभी ठीक है थोड़ा बैटरी इश्यू हो गया था चलिए सेल डाउन हुआ तो मुझे पता चला कितने लोग देख रहे हैं सबने अपने अपने मैसेज डाले है ना तो मुझे पता चला कि आप लोग अटेंटिवली देख रहे हैं ओके okay, तो नाउ आ गया ना अभी वॉइस क्लियर है थैंक यू मुस्तफा प्रिया चलिए बताने के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए धन्यवाद आप सबका ओके okay. तो जू अथॉरिटी जो है सेंट्रल जू अथॉरिटी इसमें क्या होता है सेंट्रल जू अथॉरिटी में चेयर्ड बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर दस मेंबर होते हैं दो नए मेंबर इसमें ऐड किए गए हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी होता है ठीक है इस तरीके से इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है ठीक है और इसका फंक्शन क्या है कि अगर जू का रिकॉग्निशन, ठीक है जू का इंस्पेक्शन जू का विजिलेंस ये सब सारा काम जो है वो इसी का होता है तो जू को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना जू को रेगुलेट करना कंट्री में जितने भी जू है चिड़ियाघर है उन सबको रेगुलेट करना ले डाउन द गाइडलाइन एंड प्रिस्क्रिप्शन रूल्स कि जानवरों को कैसे रखना है उनको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है कितना टेम्परेचर होना चाहिए ये सारी चीजें जो है वो नॉलेज एक्सचेंज वगैरह करना जानवरों को अगर एक जू से दूसरे जू में ट्रांसफर करना है तो हमको सेंट्रल जू अथॉरिटी का परमिशन चाहिए होगा कोर्डिनेट एंड इंप्लीमेंट प्रोग्राम्स ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग जू पर्सनल की ट्रेनिंग वगैरह के लिए ठीक है और एक्स सी टू संरक्षण के लिए कोई जीव अगर लाके रखना है तो उसके लिए हमें सेंट्रल जू अथॉरिटी का परमिशन चाहिए होगा तो जू अथॉरिटी ही बेसिकली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द रेगुलेशन पर रेगुलेशन के लिए ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक्स सी टू कंजर्वेशन की परमिशन वगैरह ये सारा जो है वो सेंट्रल जू अथॉरिटी ही देती है ठीक है क्लियर हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो रिलेटेड है ई e वेस्ट से ई e वेस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या है ई e वेस्ट इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना सिर्फ इंडिया में वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और ई e वेस्ट जो है वो न्यूज में क्यों रहा है देखिए जो ई e वेस्ट है ई वेस्ट टू इंक्रीज बाय ट्वेंटी थर्टी ठीक है एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि 2030 तक जो हमारा ई वेस्ट ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ठीक है दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जितना भी हम क्या यूज करते हैं जैसे हम सबका फोन जो है ये एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है अच्छा ओमकार आपका सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो गया है तो आप कंटिन्यूसली क्लास लेंगे अच्छा ओमकार आप जुड़े थे ये मुझे अब पता चला जब वॉइस गई है ठीक है तो कई बार इस तरीके की ट्रेजेडी हो भी जाना जरूरी है पता चलता है कि आपके साथ कौन कौन है ठीक है ओमकार हम रेगुलर क्लास करिए जियोग्राफी भी, की भी क्लास जो है मेरी चल रही है एनवायरमेंट और जियोग्राफी का करंट अफेयर भी चल रहा है तो ये भी आप जो है कोई बात नहीं बिल्कुल बोलिए भाई आप लोग बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और पता चलता है कि मैं अकेले नहीं यहां पर हूँ है ना देखिए ऑनलाइन टीचिंग के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं है ना तो आइसोलेशन आने लगता है लाइफ में तो आप लोग अगर उधर से कमेंट करते रहते हैं तो ये लगता है कि हम आइसोलेटेड नहीं है अलग थलग नहीं है आप लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं भले कैमरे के उस तरफ से जुड़े हुए हैं ठीक है चलो तो नेक्स्ट रिपोर्ट आ रही है वो नेक्स्ट न्यूज जो ये है इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम देखते हैं कि अब हर कोई लगभग एक साल में नया फोन ले ही लेता है आप लोग बताइएगा कि आप लोग नया फोन कितने टाइम में खरीदते हैं तो जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है ठीक है फ्रिज वॉशिंग मशीन लैपटॉप टीवी सबसे ज्यादा फोन जो चेंज होता है तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पर ये रिपोर्ट आई और इसमें कहा गया कि 2013 2030 तक जो है वो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाएगा अब ये ये क्या कहा गया कि ई वेस्ट इंक्रीज बाय 38 परसेंट इन 2030 जो ये रिपोर्ट कहां से आई यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी रिपोर्ट आई ठीक है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि हमारा जो ई वेस्ट है ई वेस्ट है वो 38 परसेंट इंक्रीज हो जाएगा कब तक 2030 तक ठीक है मतलब अगले दस सालों में एक्स्ट्रा 30 परसेंट थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट मान के चले हैं लगभग 40 परसेंट एक्स्ट्रा ई एवे, वेस्ट जनरेट होगा अब ई वेस्ट क्यों जनरेट होगा क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फोन यूज़ करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा डिवाइसेज यूज़ करते हैं तो अब और ऐसा भारत के अलावा अगर हम देखें तो जितना रिच कंट्रीज होती है वहां पर ज्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है आज हम उसका थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे और ई वेस्ट को लेकर के क्या समस्याएं हैं ठीक है इसको थोड़ा सा देखेंगे तो ई वेस्ट को लेकर के आपका दिमाग में आइडिया लग जाएगा कि चल क्या रहा है वर्ल्ड वाइड ठीक है चलिए तो फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट की थोड़ा फाइंडिंग्स पर चर्चा कर लें तो हमको समझ में आएगा कि परिस्थिति कितनी गंभीर है है ना तो परिस्थिति का मुआयना कर लेते हैं फिर पंचनामा करेंगे इसका तो अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन यू एन यू के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इसमें कहा है कि हमारा बहुत सारा जो ई वेस्ट है जो कलेक्ट किया जाता है और रिसाइकल किया जाता है वो प्रॉपरली रिसाइकल होता नहीं है ठीक है तो इसने कहा है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अराउंड द वर्ल्ड इज स्टिल नॉट बींग कलेक्टेड एंड रिसाइकल्ड प्रॉपरली तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ई वेस्ट को लेकर के क्या है उसका कलेक्शन और उसकी रिसाइकलिंग क्यों क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है अब जैसे एक डिवाइस जब बनती है फ़ोन बनता है लैपटॉप बनता है कैमरा बनता है कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनता है तो उसमें बहुत सारे मेटल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं गोल्ड सिल्वर बहुत सारे मरकरी वगैरह ये सब यूज़ किया जाता है बहुत सारे मेटल यूज़ किए जाते हैं उन मेटल्स को अलग करना निकालना और फिर उसका रीयूज़ करना ठीक है तो कहा जा रहा है कि भाई हमारी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए हमारी इकोनॉमी में रिसाइकल री की परंपरा ज्यादा विकसित हो लोगों में यह आए कि वो अपने जो कचरे हैं उसको सेग्रीगेट करें जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट वो अलग रखें अनऑर्गेनिक वेस्ट अलग रखें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अलग रखें हेजॉर्डस वेस्ट जैसे एलईडी बल्ब एलसीडी वगैरह टूट जाए तो ऐसे हेजॉर्डस वेस्ट जो है उसको अलग कलेक्ट करके रखें तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो क्या हो रहा है बढ़ रही हैं और बढ़ने के साथ साथ वेस्ट ज्यादा जनरेट हो रहा है पर रिसाइकल और कलेक्शन का काम नहीं हो रहा है तो यह एक बड़ा खतरा है इनके रिसाइकलिंग और कलेक्शन का काम ठीक है और इसके तहत इसने उन्हें बताया कि 2020 से 2030 के बीच में 38 परसेंट इंक्रीज आएगा और अगर इसका हम 38 परसेंट को वेट में देखें तो फिफ्टी मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट जो है वो दो में जनरेट हुआ ठीक है ट इज नियरली ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ इंक्रीज इन लास्ट फाइव ईयर लास्ट पांच साल में इक्कीस परसेंट इंक्रीज ऑलरेडी हो चुका है ई वेस्ट में एशिया जनरेट लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ ई वेस्ट इन टू थाउजेंड एटीन 2019, 2019 में एशिया में सबसे ज्यादा जनरेट हुआ है, है जो कि कितना रहा है? 24 मिलियन टन के आसपास रहा है अमेरिका में कितना रहा तेरह मिलियन टन और यूरोप में रहा है 12 मिलियन टन तो आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा क्या ध्यान रखना है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अब कहा जनरेट होता है एशिया में जनरेट होता है ठीक है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एशिया में जनरेट होता है मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल इक्विपमेंट्स ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो बड़े इक्विपमेंट का नहीं जैसे मोबाइल फोन ठीक है इससे सबसे ज्यादा स्मॉल इक्विपमेंट से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है सत्रह दशमलव चार मिलियन टन का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सिर्फ छोटे इक्विपमेंट्स का है लार्ज इक्विपमेंट्स का तेरा है ठीक है टेम्परेचर एक्सचेंज इक्विपमेंट जैसे जो एसी वगैरह होते हैं टेम्परेचर एक्सचेंज इक्विपमेंट वो दस मिलियन टन है सो लेस देन एटीन परसेंट ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड इन टू थाउजेंड नाइनटीन वॉज कलेक्टेड एंड रिसाइकल्ड अब आप आंकड़ा ध्यान रखिए ठीक है क्या मोटा मोटा आंकड़ा ध्यान रखें हम कि हमारा जितना भी ई e वेस्ट जनरेट होता है सबसे ज्यादा एशिया में जनरेट होता है इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो ई वेस्ट है वो स्मॉल डिवाइसेस का है छोटी डिवाइसेस का है फ़ोन जैसे छोटी डिवाइसेस का ई वेस्ट ज़्यादा है इसके अलावा जितना ई वेस्ट जनरेट होता है उसका 18 परसेंट ही ई वेस्ट जो है वो कलेक्ट होता है और रिसाइकल होता है इसका मतलब है बाकी का ई वेस्ट नेचर में कहीं ना डंप कर दिया जाता है और उसमें जो हेजोर्डस केमिकल होगा वो नेचर में ही पड़ा रहेगा और कोई स्पीसीज मानव या जीव जंतु उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसको इन्फेक्ट कर देगा ठीक है तो एक तरीके से ये एक बड़ा खतरा है ई वेस्ट का रिसाइकल ना होना ये एक बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है ई वेस्ट का बहुत तेजी से बढ़ना एक बड़ा खतरा है ठीक है अब ये जो ई वेस्ट हमारा जनरेट हो रहा है उसमें 18 परसेंट ही रिसाइकल हो रहा है अगर हम ई वेस्ट की मॉनेटरी वैल्यू निकालें मतलब उसमें जो मटेरियल है ठीक है जैसे सोलर पैनल में यूज होता है गोल्ड प्लेटिंग तो उसका मॉनेटरी वैल्यू होगा ना तो अगर हम ये मॉनेटरी वैल्यू निकालें ई वेस्ट में गोल्ड सिल्वर कॉपर प्लेटिन प्लेटिनम बहुत सारे हाई वैल्यू मटीरियल होते हैं बहुत सारे mercury, जैसे मटेरियल भी होते हैं अगर हम इसका मॉनेटरी वैल्यू निकालें तो रिकवरेबल रिकवरे कलेक्टेड एंड ट्रीटेड हमारे यहां पर ट्रीटमेंट कैसा है कुचल कुचल करके ठीक है क्या करेंगे उसको तोड़ देंगे डंप कर देंगे ठीक है या तो जला देंगे या तो उसको ऐसे फैक्ट्रियों को बेच देंगे वो उसको जला करके प्लास्टिक वगैरह निकालते हैं बस यही हमारे यहाँ पर रिसाइकलिंग का मतलब है पर अगर हम प्रॉपर रिसाइकिलिंग की बात करें तो मान लीजिए एक माइक्रोचिप है उसमें से में भी जो मेटल होगा वो उसको एक्सट्रैक्ट करना अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करना तो ये बहुत टेक्निकल काम होता है और अगर आप देखिए तो जो भी ई वेस्ट है उसकी मॉनिट्री वैल्यू डिजिटलाइजेशन हाँ, जो बढ़ा है उसकी वजह से ई e वेस्ट बिल्कुल जनरेट होगा ठीक है और जो ई e वेस्ट है ये प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम ये है कि ई e वेस्ट का सेग्रीगेशन कलेक्शन और रिसाइकलिंग ठीक है कभी भी वेस्ट में तीन चीजें होती सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन मतलब उस वेस्ट को उसके नेचर के हिसाब से दूसरे वेस्ट से अलग करके रखा जाए सेग्रीगेट किया जाए तो सेग्रीगेशन ठीक है सेग्रीगेशन किया जाए उसका कलेक्शन तो कलेक्शन सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग ये तीन स्टेप से गुजरना चाहिए अब उसमें जब रिसाइकल होगा तो मटेरियल हमको मिल जाएगा वापस और हमको उसको री कर सकते हैं तो इससे इकोनॉमी में री की प्रवृत्ति बढ़ेगी और इकॉनमी में जो खर्चा है वो कम होगा नहीं तो हमको बहुत सारा मटीरियल इम्पोर्ट करना होता है ठीक है अगर जैसे हम जैसे मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो बैटरी यूज होती है लिथियम वाली अब लिथियम हम रिसाइकल नहीं कर पाते हैं। और लिथियम भारत में पाया नहीं जाता है तो लिथियम बैटरी बनाने के लिए लिथियम तो हमको फिर हमेशा बाहर बाहर से ही लाना होगा पर अगर हम रिसाइकल कर लेते हैं तो वो हम जो रिसाइकल करके निकाला उसको री यूज उस कर लिया तो इससे पोल्यूशन भी कम होता है इकोनॉमी का खर्चा भी कम होता है है ना जीडीपी ग्रोथ भी बेहतर होती है तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज नॉट द प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज कलेक्शन सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग ठीक है चलो तो हम यहां पर बात कर रहे थे कि जो ई वेस्ट है सत्तावन बिलियन डॉलर का ई वेस्ट हर साल लगभग जला दे सत्तावन बिलियन डॉलर समझ रहे बहुत सारे अफ्रीकन देश की जीडीपी डी पी मिला करके सत्तावन बिलियन डॉलर नहीं है ठीक है तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यू जो है वो लगातार बर्न कर दी जाती है एक प्रॉब्लम यहां पर हमारे सामने आई ठीक है ई वेस्ट के बारे में अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो हेजोर्डस सब्सटेंस जो है वो कहां चले जाते हैं मिट्टी में चले गए पानी में चले गए और उसके बाद अगर वो फूड साइकिल अब जैसे मरकरी है मरकरी मछलियों के माध्यम से फूड चेन में पहुंच रही है मछलियां आई मछलियों को ह्यूमन ने खाया और मरकरी जो टॉलरेंस लिमिट है उससे ज़्यादा बढ़ रही है ठीक है तो उससे डिजीजेज हो रही हैं तो अगर ई e वेस्ट में जो मटेरियल है वो हमारे फूड चेन में एंटर हो जाए तो डिजीजेज होंगी अब डिजीज़ जब होगी तो आप उसका इलाज कराने के लिए खत खर्चा करेंगे तो इससे क्या होगा इससे होगा ये कि हमारा आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा सौ रुपए कमाया पचास रुपए खर्च हो गया दवाई इलाज में तो हमारे पास बचा पचास रुपए ही अब उस पैसे से हम क्या करेंगे घर चलाना मुश्किल हो जाएगा बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी तो ओवरऑल इंपोरिशमेंट आ जाएगा गरीबी के कगार पे आ जाएंगे और भारत में हर दस में से तीस तीन व्यक्ति जो है वो मेडिकल एक्सपेंसेस के कारण गरीब हो जाते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं तो क्या हो रहा है ये सब हमारे लिए खतरनाक है ठीक है तो ई वेस्ट इज नॉट इज नॉट हेजोर्डस इफ इट इज स्टॉक्ड इन सेफ स्टोरेज और रिसाइकल्ड बाई साइंटिफिक मैथड अगर साइंटिफिक मैथड से इसको हम रिसाइकिल करें तो ये हेजोर्डस नहीं होगा और जो मटीरियल प्राप्त होगा उसको हम रीयूज कर सकते हैं द ई वेस्ट हाउ एवर बी कंसिडर्ड हेजोर्डस इफ रिसाइकल्ड बाई प्रिमिटिव मैथड प्रिमिटिव मैथड तोड़ फोड़ के निकालना उसको जला करके निकालना प्रिमिटिव मैथड ठीक है तो हैजर्डस बनता है जब हम प्रिमिटिव मेथड से उसको करते हैं अब भारत के केस में अगर हम थोड़ा सा देखें तो इतने बड़े देश में भारत में जो लाइसेंस्ड रिसाइकलिंग हाउस है कितने हैं 312 देर आर 312 देर आर 312 अथॉराइज्ड रिसाइकल रिसाइकलर्स हैं भारत में इतने बड़े देश में केवल 312 रीसाइक्लर्स हैं जो कि साइंटिफिक मेथड से रिसाइकलिंग का काम करते हैं तो यहां पर आपको एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी कि हम इंडिया जो है ना वहां पर रिसाइकलर्स की संख्या बहुत कम है अब इस पर आपको मेंस में आंसर लिखने के लिए आएगा जितना मैं आपको बता रहा हूं ये सारे पॉइंट आप यूज कर सकते हैं ठीक है तो रिसाइकलर्स की संख्या इंडिया में बहुत कम है विद द कैपेसिटी ऑफ एट किलो टन एनुअली ठीक है इनका ट्रीटिंग कैपेसिटी कितना है 800 सौ किलो टन एट किलो टन इनका कैपेसिटी है जबकि अगर हम फॉर्मल देखें तो जितना कैपेसिटी है उसका भी अंडर यूटिलाइज है वो भी कैपेसिटी के बराबर रिसाइकलिंग नहीं कर रहे हैं अंडर यूटिलाइज है तो एक तरफ रिसाइकलर्स कम है कैपेसिटी भी कम है और जितनी कैपेसिटी है उसका कैपेसिटी के बराबर काम भी नहीं हो रहा है तो अंडर यूटिलाइज है तो लार्ज मेजॉरिटी ऑफ ई वेस्ट इज हैंडल्ड लाइक प्रिमिटिव मेथड ठीक है पुराने तरीकों से हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर से हो रहा है तो हमारा जो 90% परसेंट ई वेस्ट है वो प्रिमिटिव मेथड से तोड़ करके जला करके उसको डिस्पोज किया जा रहा है अब तोड़ेंगे जलाएंगे तो सारा पोल्यूशन नेचर में रिलीज हो जाएगा तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम ई e वेस्ट को लेकर के इंडिया में क्रिएट हो रही तो भारत जो जनरेट करता है 18.5 लाख मीट्रिक टन जो वेस्ट जनरेट करता है जिसमें सबसे आगे अगर हम देखें तो मुंबई डेली एनसीआर के रीजन जो है मुंबई और डेली एनसीआर जो है वो सबसे ज़्यादा करने वाले ठीक है? करने वाले राज्यों में सिटीज में आएंगे इसके बाद हम देखें तो दूसरी सिटीज भी हैं ठीक है तो आप ध्यान रखें भारत में जितना साढ़े अठारह लाख मीट्रिक टन इलेक्ट्रिसिटी

बात समझ गए क्या प्रॉब्लम है ई वेस्ट को लेकर के तो साइकिलर रिस हमारे यहां पर बहुत कम है ठीक है एशिया में सबसे ज्यादा ई वेस्ट जनरेट हो रहा है क्योंकि एशिया की पॉपुलेशन ज्यादा है और अब वो पॉपुलेशन की अब धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है फोन का यूज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज ज्यादा हो रहा है ठीक है तो इस इटेड नेशन यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि अगले 2030 तक 40 परसेंट ई वेस्ट और एक्स्ट्रा हो जाएगा और रिसाइकिलिंग कैपेसिटी डेवलप नहीं हो रही है तो ये पोल्यूशन को इंक्रीज करेगा जाके वाटर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन इन सॉइल पोल्यूशन इस सबको इंक्रीज करने जा रहा है ठीक है चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर लेते हैं दिस इज रिलेटेड टू एन इको सेंसिटिव जोन तो आपको ये पता होना चाहिए वॉट इज इको सेंसिटिव जोन इको सेंसिटिव जोन क्या है ठीक है, वट इज इको सेंसिटिव जोन चलिए बात करते हैं वॉट इज इको सेंसिटिव जोन तो न्यूज में क्यों रहा है भागीरथी इको सेंसिटिव जोन डिसाइड किया गया ठीक है भागीरथी रिवर भागीरथी रिवर कहां से निकलती है भागीरथी रिवर निकलती है गोमुख से जिसको आप गंगा बोलते हैं वो बेसिकली भागीरथी रिवर है तो गोमुख से निकलती है ठीक है गंगोत्री होते हुए उत्तरकाशी इन सब जगहों से होते हुए ये गुजरती है तो यहां पर जो है भागीरथी इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है ठीक है कहां से कहां तक गोमुख से लेकर के उत्तर काशी तक ना वॉट इज इको सेंसिटिव जोन ये भी थोड़ा सा देखते हैं तो इको सेंसिटिव जोन बेसिकली अभी ये वाला देखें तो ये करीब चार हजार चार हजार फोर थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी नाइन स्क्वायर किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है गोमुख से उत्तर काशी तक का ठीक है अभी मैं आ, मार्च महीने में ही इस रीज़न में गया था उत्तरकाशी और गंगोत्री वग़ैरह ठीक है तो बहुत ही आइसोलेटेड एरियाज़ हैं बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ पर होती है केवल गर्मियों के महीने में लोग यहाँ पर जाते हैं गंगोत्री दर्शन करने उसके अलावा बंद रहता है ऑलमोस्ट तो मार्च के महीने में भी मैं गया था तो यहाँ पे बर्फ पड़ रही थी और पूरा बर्फ़ भरी हुई थी बंद था बिल्कुल ठीक है होटल वगैरह रुकने वगैरह का कुछ यहां पर नहीं रहता है तो बहुत आइसोलेटेड एरिया है। अब यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन बनाए गए हैं, तो जितना भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है चाहे नेशनल पार्क हो चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो हर प्रोटेक्टेड एरिया के ठीक है मान लीजिए कि यह एक प्रोटेक्टेड एरिया है नेशनल पार्क का इसके चारों तरफ एक इको एक सेंसिटिव जोन बना करके एक बफर का एक कुशन का काम किया जाता है ठीक है तो रेगुलेशन जो है वो यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं पर यहाँ पर कम स्ट्रिक्ट होते हैं अब थोड़ा सा इसको और डीपली समझ लें हम तो तो इको सेंसिटिव जोन एक फ्रेजाइल एरिया होता है फ्रेजाइल एरिया होता है जो खासकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट नोटिफाई करके बनाती है ठीक है याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट नेशनल पार्क जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट नहीं बनाती है नेशनल पार्क बनाने के लिए जो स्टेट जिस स्टेट में बनना है स्टेट गवर्नमेंट ये प्रोसेस इनिशिएट करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी ये प्रोसेस इनिशिएट कर सकती है पर जब तक स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन नहीं होगा तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती है बात समझ गए भले सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट वो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट उसके अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड जो है चाहे नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो उसके चारों तरफ एक इको सेंसिटिव जोन या एक फ्रेजाइल एरिया डिक्लेयर कर सकती है तो अब अंतर समझिएगा नेशनल पार्क स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इसको बना सकते हैं पर स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा पावर होता है इसको बनाती है पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ये इको सेंसिटिव जोन बना सकते हैं बात समझ में आई तो ये इको सेंसिटिव जोन इनको नोटिफाई कर सकते हैं बात समझ में आई चलिए जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नोटिफाई नहीं कर सकता है भले उनको रेगुलेशन का काम मिलता है पर वो बना नहीं सकते हैं चलिए तो द परपज क्या है परपज ये है Kind of जोन मतलब तो रेगुलेटिंग और मैनेजिंग एक्टिविटी ज्यादा आसान बन जाए यहां पर ठीक है अब चूंकि नेशनल पार्क जब बना तो यहां पर से ह्यूमन सेटलमेंट खत्म कर दिया जाएगा बहुत रिस्ट्रिक्टिव होगा यहां पर माइनिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ये सब खत्म कर दी जाएगी तो ये कहा गया है कि विथ ऑफ द इको सेंसिटिव जोन एंड टाइप ऑफ रेगुलेशन में वेरी फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरिया टू एरिया सब ईको सेंसिटिव जोन का जो रेगुलेशन uh, होगा वो एक ही तरीके से नहीं होगा अलग अलग हो सकता है तो ये ये निर्भर करेगा कि कहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है इन एरियाज में इको सेंसिटिव जोन एरियाज़ में जो लोकल हैबिटेंट्स हैं उनको रहने का परमिशन मिलेगा उनको खेती करने का परमिशन मिलेगा उनको यहां से भगाया नहीं जाएगा अब जब नेशनल पार्क बना तो यहां से लोगों को हटाया गया यहां से हटा करके उनको हम इको सेंसिटिव जोन में बसा सकते हैं ठीक है क्योंकि जनजाति जो है जंगल में ही रहती है उसको कहीं बाहर रहना ही नहीं शहर में रह नहीं सकते हैं। तो उनको जंगल जैसा ही इन्वायरमेंट चाहिए तो अगर हम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रहे हैं तो यहां से लोगों को डिस्प्लेस करके इको सेंसिटिव जोन में उनको सेटल कर सकते हैं नाउ कितना एरिया होगा तो जनरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है इको सेंसिटिव जोन कुड गो अप टू अपन किलोमीटर अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया बट किलोमीटर किलोमीटर इज नॉट एनी रिस्ट्रिक्शन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पांच किलोमीटर का भी हो सकता है ठीक है सो दस किलोमीटर तक मैक्सिमम हम बना सकते हैं इससे कम भी बना सकते हैं इको सेंसिटिव जोन ठीक है तो ये नेशनल पार्क है तो इसके चारों तरफ दस किलोमीटर के एरिया तक हम इको सेंसिटिव जोन बना सकते हैं ठीक है दूसरी चीज दे ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रांजिशन जोन ट्रांजिशन जोन फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रोटेक्शन टू द एरिया इन्वॉल्विंग प्रोटेक्शन ठीक है यहां पर लेसर प्रोटेक्शन होगा और इको सेंसिटिव जोन आर नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ठीक है तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के तहत आएंगे अब अगर हम पहले देखें तो जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन था उसमें कहीं पर भी इको सेंसिटिव जोन मेंशन नहीं किया गया था तो पहले इसी वजह से इको सेंसिटिव जोन बनते नहीं थे नेशनल पार्क के आसपास जो है कहीं पर इको सेंसिटिव जोन नहीं बनाए जाते थे ठीक है तो कुछ सेक्शन वगैरह इसमें बताए गए हैं इस सेक्शन के तहत इसको रेगुलेट करते हैं यह सेक्शन आपके लिए याद करने हेतु कोई आवश्यक नहीं है ठीक है

कॉमर्शियल माइनिंग यहां पर नहीं हो सकती है हां जो जो यहां की लोकल ट्राइब है वो कुछ चीजें निकालते हैं अलाउ होगा पर कॉमर्शियल माइनिंग नहीं होगा बेचने खरीदने के पर्पज से माइनिंग यहां पर नहीं होगा सौ मिल लकड़ी आरा मशीन जो लगाते हैं लकड़ी कटाई का वो यहां पर नहीं होगा ठीक है पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ये यहां पर नहीं लगाई जाएंगी कॉमर्शियल यूज ऑफ फायरवुड मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ये सब यहां पर प्रोहिबिटेड होंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहां पर नहीं लगाए जाएंगे ठीक है तो ये सारी चीजें यहां पर प्रोहिबिटेड होंगी इट ऑल्सो प्रोहिबिट टूरिज्म एक्टिविटीज लाइक फ्लाइंग ओवर द प्रोटेक्टेड एरिया ठीक है हॉट एयर बलून डिस्चार्ज हॉट एयर बलून जो टोकरी होती है नीचे ऊपर बलून होता है हाइड्रोजन जला करके बलून को उड़ाते हैं तो उस तरीके का बलून डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट एंड सॉलिड वेस्ट इन इन नेचुरल वाटर बॉडीज एंड टेरिट्रियल एरिया जो होंगे टेरेस्ट्रियल एरिया वहां पर किसी भी तरीके का डिस्चार्ज और यहां से गुजरने वाली नदियों में किसी भी तरीके का डिस्चार्ज जो होगा वो प्रोहिबिटेड होगा तो बात समझ गए ये चीजें प्रोहिबिटेड होंगी रेगुलेटेड क्या होगा लोकल लोगों के यूज के लिए ट्री कटिंग का काम यहां पर रेगुलेटेड होगा ठीक है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ड्रास्टिक चेंज इन एग्रीकल्चर सिस्टम कॉमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर यहां पर नेचुरल वाटर का कॉमर्शियल यूज कि आपने बॉटलिंग प्लांट लगा दिया ऐसा नहीं होगा ऐसा आप यहां पर नहीं कर सकते हैं, तो नेचुरल कॉमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर सेटिंग अप होटल रिजॉर्ट ठीक है ऐसी एक्टिविटीज के लिए आपको एक प्रॉपर परमिशन लेना पड़ेगा वो रेगुलेटेड होंगी और उसी नाम नॉर्म्स के तहत आप इसको कर सकते हैं परमिटेड एक्टिविटीज ऑन गोइंग प्रिमिटिव एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर जो वहां की लोकल कम्युनिटीज जो प्रैक्टिस कर रही हैं वो अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं यहां पर पर प्रिमिटिव मेथड उनके यूज होंगे ठीक है ये नहीं कि मशीन वशीन लाए और उससे एग्रीकल्चर करने लगे ऐसे एग्रीकल्चर यहां पर अलाउड नहीं होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहां पर आप कर सकते हैं जल को बचाने का, का काम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं

एक्टिविटी को देखिए कि कौन सी एक्टिविटी ज्यादा हार्म पहुंचाने वाली है माइनिंग खुदाई बड़े तौर पर जंगल को विनाश कर देगी तो यह सब प्रोहिबिटेड है यहां पर ठीक है है रिन्यूएबल एनर्जी नेचर के लिए अच्छी ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचर के लिए अच्छी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग नेचर के लिए, लिए बेहतर है तो यह सब चीजें यहां पर परमिटेड होंगी ठीक है तो ध्यान रखेंगे इस चीज को इको सेंसिटिव जोन तो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन एरिया डिसाइड किया गया है लगभग 4180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जिसकी वजह से इको सेंसिटिव जोन जो टर्म है वो चर्चा में रहा है तो मैंने आपको यहां पर ये बता दिया ध्यान रखिएगा लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर ठीक है अगला जो करंट अफेयर है ये ग्लोबल रिपोर्ट पर बेस्ड है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 ठीक है। ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट 2020 आई है क्या है ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं देखिए कौन रिलीज करता है तो इंडिया जो है ग्लोबल फॉरेस्ट असेट में तीसरे नंबर पर आया है मतलब दुनिया में जितना फॉरेस्ट असेट है उसमें इंडिया जो है थर्ड रैंक रखता है फॉरेस्ट असेट मतलब जंगल वगैरह ठीक है तो इंडिया हैज रैंक थर्ड अमंग टॉप टेन कंट्रीज दैट के दस देशों में आता है जिसने ज्यादा से ज्यादा जंगलों को बढ़ाया है अपने यहां पर गेन किया है इन लास्ट डिकेड अब चूंकि ये दस साल की एक रिपोर्ट है इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी के लिए क्योंकि अगले बार अब ये दस साल के बाद आएगी 2030 में ठीक है तो इस वजह से ये रिपोर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इसी वजह से मैंने इसको न्यूज में लिया है तो तीन महीने का आपका करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इसीलिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव टॉपिक मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर लिए हैं 100 परसेंट नहीं है पर मैं ये इंश्योर करता हूं आपको 70 टू 80 परसेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे एनवायरमेंट में वो यहीं से होंगे ठीक है चलिए तो थर्ड अमंग द टॉप टेन कंट्रीज इंडिया आया है ठीक है जहां पर फॉरेस्ट पिछले दस साल में बढ़े हैं ठीक है बढ़ने के मामले में तीसरे नंबर पर आया है सो so, थोड़ा जान लेते हैं व्हाट इज ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट क्या है ठीक है तो ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट जो है यह किसके द्वारा किया जाता है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जो है ये किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एफ यूनाइटेड नेशन का एक संस्था है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है तो ग्लोबल नेशन की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली में इसका कार्यालय है ठीक है बात समझ में आ गई तो एफओ एफ ए हेज ब्रॉट आउट दिस कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट एवरी फाइव ईयर सिंस नाइनटीन नाइनटी ठीक है नेक्स्ट अगर हम देखें तो फाइंडिंग्स क्या है इसकी ठीक है फाइंडिंग्स क्या है इसकी फाइंडिंग यह है कि सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट बढ़े हैं फॉरेस्ट गेन जो हुआ है वो चाइना में हुआ है फिर ऑस्ट्रेलिया में फिर इंडिया में सो मैक्सिमम सो टॉप थ्री एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया तीन कंट्री हैं 2010 से 2020 के बीच में ठीक है तीन कंट्री हैं चाइना ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ठीक है चाइना ऑस्ट्रेलिया इंडिया ये तीन कंट्री हैं टॉप थ्री कंट्री हैं ठीक है तो इंडिया में ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है दो परसेंट फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है दो परसेंट पहले बात समझ लीजिए फॉरेस्ट एरिया किसको कहते हैं है ना किस एरिया को फॉरेस्ट बोलेंगे देखिए कहीं पर पर लैंड 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 ये जैसे land है land पर क्या होगा पेड़ होंगे ठीक है अब ये जो पेड़ का विस्तार है इसको बोलेंगे कैनोपी दिस इज कॉल्ड कैनोपी ठीक है अब मान लीजिए लैंड है और इस पर पेड़ उगे हुए हैं और पेड़ की कैनोपी ने लैंड को कवर किया हुआ है तो अगर 90 परसेंट से ज्यादा कैनोपी कवर होता है तो एक्सट्रीमली डेंस फॉरेस्ट होते हैं 70 परसेंट से ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं ठीक है तो 70 टू 90 परसेंट कवर है तो एक्सट्रीमली डेंस फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या हुआ कवर का मतलब हुआ ये कैनोपी से लैंड कवर होनी चाहिए कैनोपी से लैंड कवर हो तो इसको हम कैनोपी कवर बोलते हैं सो इफ मोर देन 70% कैनोपी कवर एक्सट्रीमली डेंस फॉरेस्ट माना जाएगा ठीक है अगर कैनोपी कवर इज लेस देन 10% कैनोपी कवर लेस देन 10% है तो वो फॉरेस्ट एरिया नहीं माना जाएगा वो ट्री कवर एरिया माना जाएगा ठीक है 10% से कम है कैनोपी कवर 10% से कम है तो वो फॉरेस्ट एरिया नहीं माना जाएगा क्या माना जाएगा वो माना जाएगा ट्री कवर एरिया वो ट्री कवर एरिया माना और 10 परसेंट से ज्यादा है कैनोपी कवर तो वो फॉरेस्ट एरिया माना जाएगा तो फॉरेस्ट की डेफिनेशन आप याद रखिएगा फॉरेस्ट का डेफिनेशन है इफ कैनोपी कवर ऑफ द ट्रीज इज मोर देन टेन परसेंट इट वुड बी डिक्लेयर एज फॉरेस्ट ठीक है तो ये साइंटिफिकली चीजों को याद रखिए यूपीएससी इस तरीके के स्टेटमेंट बनाती है ठीक है तो इंडिया में दो परसेंट टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है दो परसेंट टोटल फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है एशियन एशियन कॉन्टिनेंट रिपोर्टेड द हाइएस्ट गेन इन फॉरेस्ट बिटवीन 2010 से 2020 के बीस के बीच में सबसे ज्यादा एशिया में हुआ है फिर इंडिया रिपोर्टेड पॉइंट थ्री एट परसेंट ऑफ एनुअल गेन इन फॉरेस्ट ओवरऑल दो परसेंट हुआ है और पॉइंट एट पॉइंट थ्री एट जो है वो लगभग हर साल इंडिया में इंक्रीज हो रहा है और इसको हम अगर एरिया वाइज देखें तो दिस इज ये दो लाख छाछठ हजार हेक्टेयर लैंड फॉरेस्ट कवर में आई है ठीक है तो ये कुछ आपको बात याद रखनी है फॉरेस्ट असेट रिसोर्समेंट फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के अकॉर्डिंग ठीक है चलिए अब थोड़ा सा जीएफआरए ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट और इंडिया के बारे में देखें तो एफ आर ए ट्वेंटी ट्वेंटी हैज़ क्रेडिटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम तो इन्होंने एफ आर ए के साथ मिल करके ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी चलाया था ठीक है जिसके तहत भारत में कम्युनिटी मैनेजमेंट किया गया फॉरेस्ट का जिससे फॉरेस्ट कवर बढ़ा खासकर एशियन कॉन्टिनेंट रीजन में ठीक है फॉरेस्ट एरिया मैनेज बाई लोकल ट्राइबल एंड इंडिजिनस कम्युनिटी इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू जीरो इन टू थाउजेंड इन नाइनटीन नाइनटी टू अबाउट ट्वेंटी फाइव मिलियन हेक्टेयर इन दो हज़ार पंद्रह इस लाइन का मतलब यह है कि अगर उन्नीस सौ नब्बे में हम जाएँ तो उन्नीस सौ नब्बे में जो हमारी लोकल ट्राइबल और इंडिजिनस कम्युनिटीज़ होती थी इनके द्वारा जो फॉरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाता था वो जीरो था बाद में गवर्नमेंट ने यह समझा कि जो लोकल ट्राइब्स हैं ये लोग जंगल का महत्व तो ज्यादा बेहतर समझते हैं इसलिए प्रोटेक्शन में इन लोगों को शामिल किया जाए है ना प्रोटेक्शन में जैसे टाइगर के प्रोटेक्शन में भी लोकल लोगों को शामिल किया गया तो प्रोटेक्शन में इन लोगों को शामिल किया जाए तो अब लोकल कम्युनिटीज के द्वारा जो है कम्युनिटी मैनेजमेंट के द्वारा 25 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया कम्युनिटी मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है प्रोटेक्ट किया जाता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसने फॉरेस्ट को इनक्रीज़ किया ठीक है इंडिया हैज़ बीन टेकिंग अप मैसिव एफॉरेस्टेशन प्लांटेशन स्कीम खूब ज़्यादा प्लांट वगैरह इंडिया लगा रहा है ठीक है 2010 से 2020 के बीच में इंडिया में जो है फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है ये भी स, इस रिपोर्ट में कहा गया है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है क्योंकि भारत में फॉरेस्ट्री के माध्यम से वो काफ़ी ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री के माध्यम से ठीक है अगर एंप्लॉयमेंट कहीं जनरेट होता है तो वो भारत में होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा इंडिया रिपोर्टेड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेस्ट्री सेक्टर इन द वर्ल्ड ठीक है फॉरेस्ट्री सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग दुनिया में कहीं एंप्लॉयड हैं तो इंडिया में एंप्लॉयड है अब लकड़ी काटने से लेकर के वो सारी जनजातियां जो फॉरेस्ट्री में अपने चीज़ें जुटाती हैं फिर बाहर बेचती हैं यह भी फॉरेस्ट्री एम्प्लॉयमेंट में आएगा तो भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट्री एम्प्लॉयमेंट मिलता है दुनिया भर में ये नहीं कि यही सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भारत में सबसे ज़्यादा देता है नहीं ठीक है ऐसे तो कपड़ा सेक्टर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है पर दुनिया में अगर फॉरेस्ट्री एम्प्लॉयमेंट के कंपेयर करें तो भारत सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट्री एम्प्लॉयमेंट देता है ग्लोबली ट्वेल्व मिलियन पीपल वर एम्प्लॉयड इन द फॉरेस्ट्री सेक्टर इंडिया ओवरऑल ग्लोबल मतलब 12.5 मिलियन है तो लगभग छह साढ़े छह मिलियन जो है वो भारत में फॉरेस्ट्री में है तो 50 परसेंट फॉरेस्ट्री एम्प्लॉयमेंट दुनिया का भारत में ही है एफ के बारे में थोड़ा सा जानना है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो ये फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने पर काम करता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर काम करता है एग्रीकल्चर की बेस्ट प्रैक्टिस दुनिया में आए इस पर काम करता है इसका जो मेन काम है वो फूड सिक्योरिटी वगैरह पर काम करना यूनाइटेड नेशन के एक सदस्य देश ठीक है इसका काम है फूड सिक्योरिटी पर काम करना भूखे ना मरे कोई इस इस बात को इंश्योर करना ठीक है और इसमें 194 मेंबर हैं एफएओ में और 130 कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड वाइड जहां पर ये डायरेक्टली काम करता है रोम इटली में जो है इसका कार्यालय है इट हेल्प गवर्नमेंट टू डेवलप एजेंसीज कोऑर्डिनेट विद देयर एक्टिविटीज़ दुनिया के सरकारों की मदद करता है कि फूड सिक्योरिटी हम कैसे इंश्योर करें एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करें इस पर यह काम करता है ठीक है चलिए कुछ शॉर्ट टॉपिक्स प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स में अक्सर कुछ छोटे छोटे पक्षियों के नाम या पौधों के नाम फूलों के नाम ये सब भी इन्वायरमेंट से पूछे जा सकते हैं तो कुछ शॉर्ट टॉपिक्स मैंने इन महीनों में से कलेक्ट किए हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे ठीक है जैसे कुछ ऑर्किड को लेकर के ऑर्किड से क्वेश्चन पहले यूपीएससी पूछ चुका है तो यहां पर एक ऑर्किड है जिसका नाम है टाइगर ऑर्किड ये इसका फोटो आपको दिख रहा होगा टाइगर ऑर्किड ठीक तो है तो जवाहरलाल नेहरू जो बोटोनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ठीक है जवाहरलाल नेहरू बोटोनिकल गार्डन इंस्टीट्यूट भोपाल इसमें किया गया है कि टाइगर ऑर्किड को बड़े पैमाने पर यहां पर ठीक है लाया गया है और उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में उगा करके इस टाइगर ऑर्किड को खत्म होने से बचाने का प्रयास किया गया है ठीक है तो यहां पर बड़ी मात्रा में ये हो रहे हैं याद रखना है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल जवाहरलाल नेहरू बोटानिकल गार्डन में टाइगर ऑर्किड जो है उसको उगाया जाता है बड़े पैमाने पर ठीक है इसको हम क्वीन ऑफ ऑर्किड्स भी बोलते हैं ऑर्किड एक फर्न है मतलब घास फूस वाला पौधा है ठीक है क्वीन ऑफ ऑर्किड बोलते हैं द लार्जेस्ट ऑर्किड स्पीसीज इन वर्ल्ड ठीक है बहुत बड़ी ऑर्किड स्पीसीज है ये नेटिव India, India नहीं है बाहर से लाए गए हैं ठीक है, है और दो हजार नब्बे में सॉरी उन्नीस सौ नब्बे में दो हजार नब्बे तो अभी बहुत दूर है उन्नीस सौ नब्बे में इसको भारत में लाया गया था याद रखेगा टाइगर ऑर्किड जवाहरलाल नेहरू बोटानिकल गार्डन में बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं टाइगर ऑर्किड ये दिखते हैं टाइगर की स्किन के जैसा इसलिए इनको टाइगर ऑर्किड कहा जाता है ठीक है इसके अलावा इनको क्वीन ऑफ ऑर्किड्स भी कहा जाता है क्योंकि ऑर्किड्स में सबसे सुंदर माने जाते हैं इस वजह से इनको क्वीन ऑफ ऑर्किड भी कहा जाता है ठीक है इनको क्वीन ऑफ ऑर्किड्स भी कहा जाता है समझ में आ रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर भी करते जाइए सब लोग ठीक है जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं लाइक शेयर करें प्लीज ठीक है चलिए नेक्स्ट ऐसे छोटा सा करंट अफेयर मतलब कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो प्रिलिम्स ओरिएंटेड है ठीक है जिनमें डिटेलिंग नहीं है तो ये वाला एक ऑर्किड है ठीक है नेक्स्ट क्या है बैथिनोमस रक्सासा बैथिनोमस रक्सासा यह क्या है थोड़ा सा देख लीजिए बैथीनोमस बैथिनोमस रक्सासा तो साइंटिस्ट जो है ठीक है इन्होंने एक ऐसा चौदह पैरों वाला एक जीव देख रहे हैं दिस इज बैथिनोमस रक्सासा ठीक है इसके बहुत सारे और पैर होते हैं जो एकदम आपस में जुड़े होते हैं ठीक है इसलिए इसको आइसोपोड भी बोलते हैं तो साइंटिस्ट हैज रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट सुपर जाइंट आइसोपोड स्पीसीज ठीक है पहली सुपर आइसोपोड है है ठीक इसके चौदह पैर होते हैं पर सारे आपस में जुड़े होते हैं इसी वजह से इसको आइसोपोड्स कहा जाता है एक बराबर होते हैं ठीक है आइसोपोड स्पीसीज ऑफ इंडियन ओशन इंडियन ओशन में इसको खोजा गया है ठीक है तो याद रखेंगे साइंटिस्ट ने पहला सुपर जाइंट आइसोपोड स्पीसीज इंडियन ओशन में भारत का भारत के लिए पहला दुनिया के लिए नहीं भारत के लिए पहला ठीक है सो बैथिनोमस रक्षासा जिसको सी कॉक्रोच नाम दिया गया ठीक है सी कॉक्रोच याद रखें सी कॉक्रोच इंडियन ओशन में खोजा गया है जाइंट आइसोपोड है ठीक है बैथिनोमस जीनस का ये आता है ये जाइंट आइसोपोड है मतलब एक तरीके से जैसे क्रैब लॉबस्टर होते हैं उनसे रिलेटेड प्रजाति है ये मेनली कोल्ड डेफ्थ ऑफ पैसिफिक ओशन में पाया जाता है इंडियन ओशन में इसको नहीं खोजा गया था अब इसको इंडियन ओशन में भी खोजा गया है तो पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन अब तीन ओशन में यह पाया जाने लगा है ठंडे पानी के जगह अंदर की तरफ ठंडे पानी के क्षेत्र में यह रहता है तो ये सी कॉकरोच जो है ठीक है इसके करीब चौदह लेग्स होते हैं बट यूज दीज ओनली टू क्राउल अलोंग द बेड ऑफ द ओशन इन द सर्च ऑफ फूड ठीक है केवल क्राउल करने के लिए ही ये काम आते हैं आपस में ये एकदम जुड़े होते हैं इसलिए आइसोपोर्ट कहलाते ठीक है ये देख रहे हैं इसका फोटो ऐसे दिखाई पड़ रहा है जैसे एवेंजर्स मूवी में जो है लेकर के आया था वो उड़ते हुए बड़े सारे बिच्छू के ऐसे दिख रहे थे है ना यहीं से लगता है उसका कॉन्सेप्ट लिया है चलिए तो ये आप याद रखेंगे सी कॉकरोच इंडियन ओशन में खोजा गया है ठीक है पहली बार इंडियन ओशन में इसको खोजा गया सी कॉकरोच ओशन फ्लोर में अंदर की तरफ ठंडे पानी के क्षेत्र में सी कॉक्रोच रहता है ठीक है चलिए, नेक्स्ट जो है इंडियन बुल फ्रॉग अपने गलफड़े ऐसे फुला सकते हैं इस वजह से इसको बुल कहते हैं ठीक है इंडियन बुल फ्रॉग तो इंडियन बुल जो है देख लीजिए इंडियन बुल फ्रॉक मेक्स इेजेंट फेल्ट इन द रेनी सीजन रेनी सीजन में ये मेनली जो है पाया जाता है इट इज़ द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ फ्रॉक फाउंड इन मेनलैंड म्यांमार बांग्लादेश इंडिया नेपाल लैंड एरिया में पाया जाएगा लैंड पर ओशन में नहीं होते हैं ये जो वेटलैंड रीजन है वहां पर पाया जाएगा और इसको अब मेडागैसकर और इंडिया में अंडमान निकोबार में इंट्रोड्यूस किया गया है ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है मतलब बाहर से आई हुई स्पीसीज है और बहुत तेजी से इसकी संख्या बढ़ी है ये फ्रेश वाटर वेटलैंड रीजन में पाया जाता है फ्रेश वाटर खारे पानी में नहीं होगा फ्रेश वाटर में होगा वेटलैंड में होगा मतलब पानी के अंदर रहने वाला अक्वेटिक है ये ठीक है एम्फीबियन है पानी और लैंड दोनों में रहता है पर ज्यादातर टाइम पानी में रहता है लिस्ट कंसर्न इन आईयूसीएन लिस्ट मतलब काफी जनसंख्या है इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है मरे तो मर जाए ठीक है नेक्स्ट है ऐसा प्लांट जो कई सालों के बाद देखा गया ठीक है इस प्लांट का क्या नाम है इस प्लांट का नाम है यूलोफिया ऑप्टूसा ठीक है यूलोफिया ऑप्टूसा यूलोफिया ऑप्टूसा जो है यूलोफिया ऑप्टूसा यह स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ठीक है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट है और इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया और 2009 में इसको पीलीभीत पीलीभीत रिजर्व एरिया है तो उन्नीस सो दो में उन्नीस सो दो में इसको जो है लास्ट टाइम वहां पर रिकॉर्ड किया गया था मतलब देखा गया था उगते हुए तब से लेकर के अब तक इसको जो है नहीं देखा गया है फिर से इसको फिर से ऑब्जर्व किया गया है कहां पर दुधवा टाइगर रिजर्व में ठीक है तो इसका नाम क्या है इसका नाम है यूलोफिया ऑप्टुसा ठीक है ऐसा लग रहा है कि हैरी पॉटर मूवी से कोई जादू की छड़ी यूलोफिया ऑप्टुसा है ना और सामने फूल आ जाएगा बात समझ रहे ऐसे जादू मार दिया ठीक है तो यूलोफिया ऑप्टूसा जो है क्रिटिकली इंडेन्जर्ड प्लांट उन्नीस सौ दो में इसको पीलीभीत में देखा गया था उसके बाद से इसको देखा नहीं गया है और फिर से अब इसको दुधुआ टाइगर रिजर्व में ठीक है इस प्लांट को देखा गया बांग्लादेश में देखा गया था 2008 में उगते हुए इसको ठीक है इसको ग्राउंड ऑर्किड भी बोलते हैं ठीक है ग्राउंड ऑर्किड में उसको रीडिस्कवर्ड किया गया है दुधवा टाइगर रिजर्व में बात समझ गए तो यह भी एक ऑर्किड है ग्राउंड ऑर्किड इसको कहा जाता है ठीक है ऑप्टूसा तो इसका छोटा मोटा नाम आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट स्पीसीज जो चर्चा में रही है ओरिएंटेड, ठीक है? ये है ब्लू पॉपी पॉपी बेसिकली अफीम का फूल होता है जिसको हम पॉपी कहते हैं ठीक है अब यह है ब्लू पॉपी पॉपी से ही दूध निकलता है लेटेक्स निकलता है उसी से अफीम बनाया जाता है यह है ब्लू पॉपी तो ब्लू पॉपी जो है इसका फोटो तक हमारे पास ढंग से नहीं ब्लू पॉपी ब्लू पॉपी फ्रेजाइल ग्लेशियल इकोसिस्टम में रहने वाला जहां पे बर्फबारी काफी होती है ग्लेशियर रीजन वहां पर ब्लू पॉपी रहता है

ठीक है हिमालयन नेटिव पौधा है बर्मा तिब्बत रीजन में भी पाया जाता है और ग्लेशियर वाले रीजन में पाया जाता है याद रखिएगा ग्लेशियल रीजन में ब्लू पॉपी का पौधा पाया जाता है इट इज टिपिकली फाउंड इन शेडी माउंटेन एरियाज ठीक है माउंटेन मिडोज माउंटेन का जो ग्रासी रीजन होता है वहां पर ये पाया जाता है ठीक है सो और ये नेशनल फ्लावर है भूटान का भूटान का नेशनल फ्लावर है ब्लू पॉपी तो ये भी न्यूज में रहा था ठीक है द हिंदू में आया था इस वजह से मैंने ये आर्टिकल उठाया है नेक्स्ट अगर हम देखें तो आई से रिलेटेड न्यूज़ है ठीक है इस तरीके का डांसिंग फ्लावर इसको डांसिंग लेडी या स्वान फ्लावर कहते हैं ठीक है थीके? ये आप कुछ स्पीसीज याद रख लेंगे तो इनमें से जो भी आएगा वो इसी में से आएगा क्योंकि हिंदू में जितनी स्पीसीज आती हैं वही यूपीएससी पूछ लेता है ठीक है तो क्या रहा है ग्लोबा ग्लोबा एंडरसोनी, ठीक है कौन ग्लोबा एंडरसोनी, ग्लोबा एंडरसोनी, ग्लोबा एंडरसोनी बेसिकली सिक्किम में रिडिस्कवर किया गया है सिक्किम हिमालयन रीजन में ग्लोबा एंडरसोनी नाम का ये पौधा ये फ्लावर जो है सिक्किम में रिडिस्कवर री डिस्क, री रीडिस्कवर किया गया है इसको डांसिंग फ्लावर कहते हैं ठीक है ये स्वान फ्लावर भी इसको कहते हैं क्योंकि ये हंस के जैसा दिखाई पड़ता है और ये ऐसे मुड़ा हुआ है ऐसे लग रहा है डांस कर रहा हो इस वजह से इसको डांसिंग लेडी भी कहा जाता है ठीक है एंडर सोनी ठीक है एंडर सोनी इज डांसिंग तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है सिक्किम रीजन में ये पाया जाता है तो ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है और तीस्ता रिवर सिक्किम रीजन में भी जहां पर तीस्ता रिवर निकलती है उस आसपास रीजन में पाया जाता है और दार्जिलिंग रीजन में ये पाया जाता है ठीक है तो एंडरसोनी के बारे में भी ध्यान रखिएगा डांसिंग पौधा है ये ठीक है चलो हाँ जी डांसिंग फ्लावर ऑफ सिक्किम ठीक है ग्लोबा एंडरसोनी तो कैसे भी आप थोड़ा सा निमोनिक्स और मजाक वजाक में इसको याद रखिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आसाम का एक स्नेक स्पीसी चर्चा में रही थी जिसको असम कील स्नेक बोलते हैं असम कील बैक स्नेक ठीक है या कील स्नेक बोलते हैं इसका फोटो भी है मेरे पास आपको यहां पे दिखा देता हूं देखिए ये है कील स्नेक दिख रहा रहा नहीं होगा सांप है ये नर्क थोड़ा ब्लैक टाइप का है तो नॉन वेनमस होता है इसमें जहर नहीं होता है ठीक है यह जो कील स्नैक है सो मोर देन ए सेंचुरी आफ्टर इट वाज फर्स्ट सीन लगभग 100 साल के बाद इसको फिर से देखा गया है 100 साल तक यह गायब हो चुका था ठीक है किसी ने इसको देखा नहीं था कील किल बैक स्नेक को किल बैक स्नेक किल बैक स्नेक तो असम में आफ्टर अ सेंचुरी इट वाज फर्स्ट सीन पहली बार एक सेंचुरी के बाद में इसको देखा गया है, था 2018 में और फिर से अभी 2020 में इसको रीडिस्कवर किया गया फिर से देखा गया तो कील बैक स्नेक मेनली असम में पाया जाता है और आपको ध्यान रखना है कि ये नॉन वेनमस है क्या नॉन वेनमस है याद रखना है आपको क्या है ये नॉन वेनमस है इसमें जहर नहीं होता है और असम के रीजन का ही स्थानीय जीव है इंडेमिक है असम में आसाम रीजन में ही ये स्थानिक है डेटा डेफिशियंट है और इंटरनेशनल यूनियन आई जो है इसको इसके बारे में उसके पास डेटा ही नहीं है इसलिए इसको डेटा डेफिशियंट कैटेगरी में इसको रखा गया है ठीक है तो एक चीज आपको ये याद रखनी है नेक्स्ट अगर हम ले तो एक और स्पीसीज है साइगा एंटीलोप ठीक है साइगा एंटीलोप ये भी स्पीसीज ठीक है डाउन टू अर्थ एक मैगजीन आती है डी टी यहां पर लिखा ना डाउन टू अर्थ मैगजीन से मैंने इसको उठाया है। तो मतलब कैसे है जैसा है इसकी नाक ये इसको डिफ्रेंशिएट करती है ठीक है इसको हाथी हिरन भी आप बोल सकते हैं इसकी छोटी सी सूंड होती है इसको सैगा एंटीलोप बोलते हैं हिरण की प्रजाति है ये पर इसका आगे का जो स्नाउट है वो थोड़ा सा हाथी के ट्रंक के जैसा होता है ठीक है ये तो सैग सैगा एंटीलोप जो है इस इनकी जनसंख्या और इनके काफी सारे बच्चे पैदा हुए ठीक है अब ये कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है पर हाल फिलहाल इनकी जनसंख्या इनके बच्चे काफी पैदा हुए तो इनकी जनसंख्या में एक ब्लूम देखा गया है तो सैगा एंटीलोप इज द लार्जेस्ट माइग्रेटरी हर्बी ऑफ सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया मंगोलिया वगैरह जो रीजन है ठंडे घास के क्षेत्र हैं, वहां पर रहने वाले ये स्पीसीज है मेनली तो याद रखिएगा टेम्परेट ग्रासलैंड हरबी और है सेंट्रल एशिया के स्टेपी ग्रासलैंड है ना सेंट्रल एशियन रीजन में स्टेपी ग्रास लैंड रशिया से लेकर के यूरोप तक फैले हुए हैं स्टेपी ग्रास लैंड तो ये टेम्परेट ग्रास लैंड टेम्परेट ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड में पाए जाने वाले है मिली, ठीक है ये है, मतलब जो मुख्यतः इस क्षेत्र की मानी जाती हो ठीक है तो स्टेपी ग्रासलैंड सेंट्रल एशिया मंगोलिया रशिया वहां पर ये पाए जाते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ठीक है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और हिरनों के मामले में सबसे ज्यादा माइग्रेशन करने वाली स्पीशीज है सैगा एंटीलोप ठीक है फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होती है अब फ्लैगशिप स्पीसीज बेसिकली द स्पीसीज चोजन टू रिप्रेजेंट द इन्वायरमेंट कॉजेज सच एज इको सिस्टम जो किसी इको सिस्टम को दिखाते हैं तो अगर आप एंटीलोप अगर आप स्टेपी ग्रास लैंड में जाएंगे तो स्टेपी ग्रास लैंड को दिखाने वाली स्पीसीज है ये मतलब वहाँ पर ये पाई ही जाएगी तो ये वहाँ की फ्लैगशिप स्पीसीज है द स्पीसीज आर चोजन फॉर देयर वलनरेबिलिटी अट्रैक्टिवनेस डिस्टिंगटिवनेस ठीक है अपने अलगपन के लिए जानी जाती है तो इस तरीके की एक फ्लैगशिप स्पीसीज है जैसे भारत का जो ची भारत का जो बाघ है वो एक फ्लैगशिप स्पीसीज है इंडिया की जो इंडिया को डिस्टिंग करता है दुनिया भर में पचहत्तर प्रतिशत बाघ भारत में है तो इसीलिए भारत का फ्लैगशिप स्पीसीज है ब्रांड स्पीसीज है बाघ है ना चलिए ओके एक और स्पीसीज यहां पर देख लीजिए दिस इज गोल्डन बर्ड विंग ये सबसे बड़ी तितली है ठीक है सबसे बड़ी तितली है गोल्डन बर्ड विंग क्योंकि पक्षियों के जैसे बड़े पर होते हैं इसलिए इसको बर्ड विंग कहते हैं गोल्डन बर्ड विंग इज इट इज नॉट अ बर्ड इट इज अ बटरफ्लाई ठीक है गोल्डन बर्ड विंग क्या है एक बटरफ्लाई है तो हिमालयन बटरफ्लाई भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये हिमालयन रीजन में पाई जाती है तो हिमालयन बटरफ्लाई नोन एज गोल्डन बर्ड विंग हैज बीन डिस्कवर्ड ठीक है काफी लंबे समय तक इसे देखा नहीं गया था इसलिए विलुप्त माना जाना लगा था पर फिर से इसको रीडिस्कवर किया गया है गोल्डन बर्ड विंग इज इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई विद वाइड स्पैन इसके पंख कितने चौड़े होंगे एक मिलीमीटर mm तक होगा तो मतलब सबसे बड़ी बटरफ्लाई होगी ठीक है ये इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई है गोल्डन बर्ड विंग इज द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया इट हैज रिप्लेस्ड सदर्न बर्ड विंग एज द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया पहले सदर्न बर्ड विंग मानी जाती थी पर जब से इसका रीडिस्कवरी हुआ अब इसको गोल्डन बर्ड विंग को सबसे बड़ा माना जाता है सदर्न बर्ड विंग साउथ साउथन रीजन में कर्नाटक वगैरह में पाई जाती है ये वाली हिमालयन रीजन में पाई जाती है ठीक है इसके बारे में भी ढंग से डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है ठीक है चलिए अगली जो न्यूज है इट इज रिलेटेड टू इट इज रिलेटेड टू इंडिया रिकॉर्ड ठीक है टाइगर से रिलेटेड इंडिया में क्या रिपोर्ट आई हुई है ठीक है क्या रिपोर्ट आई हुई है जैसे टाइगर सेंसेस इज कैरीड आउट बाय वाइल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डब्ल्यू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का एक एजेंसी है ठीक है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ में मिलकर के डब्ल्यू आई आई वर्ल्ड वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है टाइगर करने का काम करते हैं प्रोटेक्शन वर्ल्ड रिकॉर्ड क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या बढ़ी है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ठीक है, so, है, है वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप सर्वे जो वो कराया गया है भारत में इसकी वजह से भी ये चर्चा में रहा है भारत में लगभग दो हजार जो है वो लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे के है। और दुनिया का पचहत्तर प्रतिशत टाइगर जो है वो भारत में ही पाया जाता है ओवरऑल पॉपुलेशन का पचहत्तर प्रतिशत अब इसमें आपको कुछ चीजें याद रखना है ठीक है कि एक सेंट पीटरबर्ग डिक्लेरेशन रशिया में हुआ था 2010 में जिसमें TX2, टू टू मतलब टाइगर की जनसंख्या को दुगने करने से संबंधित क्या टारगेट रखे गए थे तो ये टर्म आप याद रखिएगा सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू टाइगर टाइगर की पॉपुलेशन को डबलिंग करना ठीक है डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन ये सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में ये टारगेट रखा गया था भारत ने इसको ये 2020 तक करना था पर 2022 तक करना था पर भारत ने 2020 में ही ये अचीव कर लिया है ठीक है और जो भी टाइगर रिजर्व अपनी जनसंख्या को डबल कर लेता है मतलब टाइगर रिजर्व में टाइगर की जनसंख्या डबल हो जाती है वहां पर उसे टी एक्स टू अवार्ड भी दिया जाता है ठीक है इसे टी एक्स टू अवार्ड भी दिया जाता है याद रखेंगे इस वजह से जो टाइगर सेंसस इंडिया का टाइगर सेंसस से है उसे गिनीज बुक में स्थान दिया गया बहुत तेजी से इन्होंने टाइगर की जनसंख्या को इनक्रीज किया है ठीक है कहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सॉरी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है उन्नीस में स्टैब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के तहत आता है और ऑफर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एकेडमिक कोर्सेज एडवाइजरी फॉर वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट का काम ये करता है ठीक है नेक्स्ट अगर देखें तो पी से ही इसी में न्यूज थी ग्लोबल टाइगर डे मनाया गया ठीक है ग्लोबल टाइगर डे सो व्हाट इज ग्लोबल टाइगर डे ठीक है तो ग्लोबल टाइगर डे इज डिक्लेयर एज 29 जुलाई ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को ठीक है क्योंकि इसी समय में इसी समय में सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन साइन हुआ था तो ये ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया सो ग्लोबल टाइगर डे इनिशिएटिव वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड एटीन एज अ ग्लोबल अलायंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी जितना भी टाइगर बेल्ट कंट्रीज है जहां पर मेनली टाइगर पाया जाता है उनका एक अलायंस बनाया गया ठीक है तो सिविल सोसाइटीज इन सब लोगों ने मिलकर के ग्लोबल टाइगर डे बनाया और इसमें एम रखा गया ओम ऑफ एम ऑफ वर्किंग टुगेदर एंड सेव द वाइल्ड टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन टाइगर को खत्म होने से बचाने का इन्होंने क्या, क्या रखा उद्देश्य रखा ठीक है 2013 में इसमें स्नो लेपर्ड को भी शामिल कर लिया गया ग्लोबल टाइगर डे इनिशिएटिव के तहत इसमें स्नो लेपर्ड को भी शामिल किया गया ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो है इसमें फंडिंग करता है वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जी जो है वो इसमें फंडिंग करता है ठीक है और द इनिशिएटिव इज लेड बाय थर्टीन टाइगर रेंज कंट्रीज ठीक है तो करीब तेरह टाइगर रेंज कंट्री के द्वारा यह इनिशिएटिव ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव लिया गया है ठीक है तेरह कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं यह भी मैं आपको बता दें याद रखिए तेरह कंट्रीज आती हैं और इसमें टाइगर के साथ साथ स्नो लेपर्ड को भी शामिल किया गया है ठीक है टाइगर के साथ स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन को भी शामिल किया गया है इन टू लीडर्स ऑफ दीज टाइगर बेल्ट कंट्रीज जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं असेंबल्ड एट इंटरनेशनल टाइगर फोरम इन सेंट पीटर्सबर्ग एंड एडोप्टेड सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन फॉर टाइगर कंजर्वेशन जिसमें टाइगर की जनसंख्या को डबल करने के बारे में इन्होंने कहा है अब इस डिक्लेरेशन में क्या हुआ है वही डबलिंग द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन बाई 2022 और भारत ने यह काम 2020 में ही कर लिया है मतलब दो साल पहले ही भारत ने टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने से रिलेटेड अपने टारगेट जो है वो पूरे कर लिए हैं इसमें अगर तेरह कंट्रीज में देखें तो कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं बांग्लादेश भूटान कैम्बोडिया चाइना इंडिया इंडोनेशिया लाओस मलेशिया म्यांमार नेपाल रशिया थाईलैंड और वियतनाम तो मेजरली आप देखें तो साउथ एशियन कंट्री है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है एक्सेप्ट रशिया ठीक है रशिया को अगर हम छोड़ दें तो इसमें जितनी कंट्री है ये साउथ एशियन है जैसे भारत भूटान साउथ एशियन कंट्री है भारत भूटान बांग्लादेश साउथ एशियन कंट्री है ठीक है बाकी इंडोनेशिया लाओस मलेशिया म्यांमार ये सब क्या है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है तो नेपाल हो गया भारत हो गया भूटान हो गया ठीक है ये साउथ एशियन कंट्री है एक चाइना है इसमें एक्स्ट्रा और रशिया ठीक है तो ये ध्यान रखना है रशिया के बाहर रशिया ऐसी कंट्री है जो यूरोप में भी आती है ठीक है तो रशियन टाइगर्स थोड़ा सा अलग होते हैं बात समझ पाएंगे दो हजार में याद रखना है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन साइन हुआ था और इसमें ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम चलाया गया जिसमें हम टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने के बारे में यहां पर बात हुई थी ठीक है चलिए आगे हम देखते हैं व्हाट इज कंजर्वेशन अश्योर्ड या टाइगर स्टैंडर्ड क्या है ठीक है व्हाट इज कंजर्वेशन अश्योर्ड या टाइगर स्टैंडर्ड किसे कहते हैं सो द सर्वे इज द फर्स्ट लार्जेस्ट रैपिड असेसमेंट ऑफ साइट बेस्ड टाइगर कंजर्वेशन साइट बेस्ड टाइगर को हम बोलते हैं टाइगर स्टैंडर्ड अंडर द एक्रेडिशन सिस्टम सी एस टाइगर कंजर्वेशन एरिया प्रोवाइड एविडेंस टू डेमोस्ट्रेट दैट दे मीट द रेंज क्राइटेरिया मतलब जो भी स्टैंडर्ड सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के तहत बताए गए हैं वो स्टैंडर्ड यहां पर पूरे हों तो उस एरिया को हम टाइगर स्टैंडर्ड एरिया बोलते हैं ठीक है सो टाइगर स्टैंडर्ड इज अ पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एन जी एंड टाइगर कंजर्वेशन ये किसके तहत किए जाएंगे गवर्नमेंट और एन जी ओज पार्टनरशिप के तहत, तहत मिलजुल करके ये काम किया जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इज द इज हेल्पिंग टाइगर रेंज कंट्रीज टू इंप्लीमेंट टाइगर स्टैंडर्ड्स ठीक है याद रखिएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड डब्लू डब्ल्यू एफ ये काम जो है वो कर रहा है मदद कर रहा है टाइगर स्टैंडर्ड्स को अचीव करने से रिलेटेड ठीक है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ जो है ये काम कर रहा है चलिए नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट इज रिलेटेड टू रेड प्लस इसको बोलते हैं आर ई डी डी प्लस रेड प्लस व्हाट इज रेड प्लस ठीक है रेड प्लस क्या है रेड प्लस का क्या रोल है यूएनएफ ट्रिपल सी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज में रेड प्लस का रोल क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं ठीक है चलिए व्हाट इज रेड प्लस देखिए युगांडा हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू सबमिट द रिजल्ट ऑफ रेड प्लस टू यू एन एफ ट्रिपल सी युगांडा ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने रेड प्लस के रिजल्ट को सबमिट किया है यू एन एफ ट्रिपल सी में ठीक है रेड प्लस का मतलब हुआ रिड्यूजिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन रिड्यूजिंग एमिशन फ्राम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन मतलब आपने डिफॉरेस्टेशन को कितना कम किया है मतलब जंगलों को कटने से कितना कम किया है ठीक है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन ठीक है एमिशन को कितना कम किया है जंगलों को बढ़ा करके और फॉरेस्ट को डिग्रेड होने से कितना बचाया है इसका जो स्टैंडर्ड होता है इसको हम रेड प्लस कहते हैं तो रेड प्लस रिपोर्ट हर कंट्री अपनी तैयार करके यूएनएफ ट्रिपल सी में देती है जिसने एग्रीमेंट साइन किया है ठीक है तो ये एक मैकेनिज्म है विच इज़ डेवलप्ड बाय द पार्टीज़ टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यून एफ ट्रिपल सी के साइनिंग जितनी भी पार्टीज हैं उनके लिए स्टैंडर्ड तैयार किया गया है अब ये क्या है इट क्रिएट अ फाइनेंशियल वैल्यू फॉर द कार्बन स्टोर्ड इन फॉरेस्ट ठीक है कार्बन स्टोर मतलब फॉरेस्ट क्या है कार्बन का स्टोर करते हैं ना फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और उसके बेसिस पर फॉरेस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं सिक्वेस्टरिंग जिसको बोलते हैं तो फाइनेंशियल वैल्यू फॉर कार्बन स्टोर इन फॉरेस्ट बाय ऑफरिंग इंसेंटिव फॉर डेवलपिंग जितना आप फॉरेस्ट डेवलप करेंगे उतना इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा ठीक है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूज़ एमिशन फ्रॉम फॉरेस्टेड लैंड एंड इन्वेस्ट इन लो कार्बन पाथ ठीक है तो पेड़ों की कटाई करके हम जीडीपी वैल्यू बढ़ाएं ये अच्छा नहीं है ठीक है बल्कि हम दूसरी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करें इसी वजह से ये इंसेंटिव जो है वो यून एफ ट्रिपल सी के द्वारा दिए जाते हैं किस रिपोर्ट के बेसिस पर रेड प्लस के बेसिस पर ठीक है रेड प्लस के बेसिस पर ये दिया जाता है तो जो कंट्री रेड प्लस में अच्छा स्टैंडर्ड गेन करती है मतलब उसने अपने यहाँ पर जंगल को बढ़ाया है एफॉरेस्टेशन किया है एमिशन को कम किया है ठीक है फॉरेस्ट्री को अपने यहां पर बढ़ावा दिया सो डेवलपिंग कंट्रीज वुड रिसीव रिजल्ट बेस्ड पेमेंट फॉर रिजल्ट बेस्ड एक्शन ठीक है अगर इन्होंने अच्छे एक्शन लिए हैं तो उसी बेस पर इनको पेमेंट दिया जाएगा बात समझ गए रेड किससे रिलेटेड हुआ ठीक है सो रेड गोज बियॉन्ड सिंपली डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड इंक्लूड द रोल ऑफ कंजर्वेशन सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड फॉरेस्ट एंड इनहेंस द फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक ठीक है तो ये फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने के संबंध में रेड जो है वो काम करता है बात समझ में आई युगांडा ऐसी पहली कंट्री है जिसने इस वर्ष रेड रिपोर्ट जो है ठीक है फर्स्ट अफ्रीकन मतलब पूरे देश में नहीं अफ्रीकन में पहली कंट्री है जिसने अपनी रेड रिपोर्ट सबमिट की है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया इन यमुना वाटर ये एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में अमोनिया जो है उसकी मात्रा यमुना वाटर में लगातार बढ़ती जा रही है और अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच रही है तो अमोनिया इन यमुना वाटर को लेकर के एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि हाई लेवल ऑफ अमोनिया वर डिटेक्टेड इन यमुना जिसमें लेवल ऑफ अमोनिया रॉ वाटर में कितना है 1.8 पॉइंट एट पार्ट्स पर मिलियन पी एक मिलियन में 10 लाख तो 10 लाख वाटर पार्टिकल में 1.8 पार्टिकल जो है वो अमोनिया के हैं अब अगर हम देखें तो ह्यूमन टॉलरेबल लिमिट जो है वो काफ़ी कम है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो आया है तो अगर हम देखें तो जो ह्यूमन टॉलरेबल लिमिट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वाटर में 0.5 पीपीएम कितना 0.5 पीपीएम अमोनिया जो है वो ह्यूमन बॉडी में अगर जाती है तो उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं मतलब उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं होगा पर अगर इससे ज्यादा होती अब हमारा जो आर सिस्टम है वो सब अमोनिया को फिल्टर नहीं कर पाता है याद रखिएगा ये चीज ठीक है तो वन पॉइंट एट कहां, पर और कहां मतलब लगभग तीन गुने से ज्यादा जो है वो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन वो यमुना वाटर में पाया गया है नाउ अमोनिया क्या है बेसिकली अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर्स में यूज होता है अमोनिया ठीक है तो अमोनिया इज अ कलरलेस गैस इट इज यूज इन एन इंडस्ट्रियल केमिकल केमिकल इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स जैसे मैंने बताया फर्टिलाइजर प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर डाइज और अदर प्रोडक्ट को यूज करने में अमोनिया का यूज किया जाता है को बनाने में अमोनिया का यूज किया जाता है ठीक है तो अमोनिया अकर्स नेचुरली इन एनवायरमेंट ठीक है अमोनिया जो है वो नेचुरली पाया जाता है फ्रॉम द बेक ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल जितना ऑर्गेनिक मटीरियल होगा उसमें अमोनिया जो है वो पाया जाएगा ठीक है ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर एंड मे ऑल्सो फाइंड इट्स वे टू द ग्राउंड सर्फेस वॉटर सोर्स थ्रू इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट तो अगर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से ऐसा वॉटर रिलीज हो रहा है जो ट्रीट नहीं हुआ है उस वाटर में काफी मात्रा में अमोनिया होगा अब एक चीज देखें इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन वॉटर इज अब वन पीपीएम ठीक है अगर एक पीपीएम एक पार्ट पर मिलियन से ज्यादा हो जाता है अमोनिया तो यह फिशेज के लिए टॉक्सिक होगा फिश के अंदर चला जाएगा और फिश को जो खाएगा ह्यूमन उसकी बॉडी में चला जाएगा इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन ठीक है फिर बायो ऑगमेंटेशन आना और फिर मात्रा का बढ़ते जाना तो यहां पर अमोनिया का बायो मैग्निफिकेशन ठीक है रॉ वाटर क्या होता है रॉ वाटर का मतलब अनट्रीटेड हुआ रॉ वाटर का मतलब जैसे यमुना का पानी हम सीधे नहीं पी लेते हैं ना हम उसको ट्रीट करते हैं ठीक है तो ट्रीट करने के बाद भी ट्रीट बिना ट्रीट किए वाटर में वन पॉइंट एट है ठीक है अब ट्रीटिंग का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अमोनिया की ट्रीटिंग सिस्टम हमारे जो वाटर फिल्टर्स हैं, उसमें है नहीं तो वन पीपीएम इन ह्यूमन लॉन्ग टर्म इंजेशन ऑफ वाटर हैविंग अमोनिया लेवल ऑफ वन पी एम और अब हार्मफुल लंबे समय तक अगर हमको वन पी पी एम वाला अमोनिया वाला पानी हमारे बॉडी में जाता रहेगा तो हमारे लिए भी ये इक्वली हार्मफुल है जैसे फिशेस के लिए हार्मफुल होगा फिशेस के लिए हार्मफुल होगा हमारे लिए भी हार्मफुल होगा ठीक है हाउ डज हार्मुलटर टू यमुना यमुना में ये कैसे enter हुआ तो इसके जो मेन रीजन है वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एफ्लुएंट वेस्ट है effluent मतलब बहता हुआ जो इंडस्ट्री से बहा, बहा दिया जाता है सो इट इज बिलीव टू बी एफ्लुएंट फ्रॉम डाई यूनिट डाई मतलब जो कलर वगैरह बनाए जाते हैं डाई यूनिट ठीक है डिस्टिलरीज डिस्टिलरीज इन पानीपत जहां पर बियर वगैरह डिस्टिलरीज बनाई जाती हैं, डिस्टिलरीज एंड अदर फैक्ट्रीज इन पानीपत सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ठीक है पानीपत और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्टिलरीज़ हैं जहां पर बियर शराब वगैरह बनाई जा रही है वहां पर भी बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है हरियाणा में ऑल्सो द सीवेज फ्रॉम सम अनसीवेड कॉलोनीज जैसे सीधे तौर पर इंडस्ट्री जो ह्यूमन वेस्ट है वो यमुना में छोड़ दिया जाता है ह्यूमन वेस्ट जो है उसमें भी बड़ी मात्रा में यमुनिया

इकोलॉजिकल फ्लो इकोलॉजिकल फ्लो इज दिन रिवर जितना सस्टेन कर पाए उतना ही अब रिवर में मान लीजिए दस लीटर पानी है अब उसमें दस लीटर हम वेस्ट डाल दे रहे हैं तो क्या होगा एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड हो जाएगा पर रिवर में दस लीटर पानी है दस लीटर में हम अगर दो ग्राम पचास ग्राम सौ ग्राम पानी डाल रहे हैं वेस्ट डाल रहे हैं तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा ठीक है तो हमको क्या करना चाहिए इकोलॉजिकल फ्लो मेंटेन करना चाहिए कम से कम वेस्ट सीधे तौर पर नदी में डालना चाहिए चाहिए ज्यादा ज्यादा से जादा उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है ट्रीटेड वाटर ही नदी में जाए ठीक है ट्रीटेड वाटर ही नदी में जाना चाहिए ठीक है द लैक ऑफ मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो ऑल्सो मीन एक्यूमुलेशन ऑफ अदर पॉल्यूटेंट्स अगर हम इकोलॉजिकल फ्लो मेंटेन नहीं करते हैं तो पॉलिटेंट्स धीरे धीरे नदी में बढ़ते चले जाएंगे और फिर टॉलरेंस लिमिट से भी ज्यादा हो जाएंगे ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं नेक्स्ट क्लास में हाँ देखिए प्रिया पॉलिटी इकोनॉमी सबका करंट अफेयर पर्टिकुलर डे को चलता है आप अगर देखेंगे डेली अगर आप थंबनेल देखेंगे तो हर दिन हर दिन किसी ना किसी सब्जेक्ट का करंट अफेयर की क्लास लगती है ठीक है हर सब्जेक्ट की अलग अलग इसीलिए लगाई जा रही है क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हैं वो अपने करंट अफेयर को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं ठीक है तो प्रिया आप जरूर देखिए सारे करंट अफेयर इकोनॉमी वाले भी अपलोड हो गए हैं कल आज इकोनॉमी के करंट अफेयर कल इकोनॉमी का करंट अफेयर चला था आप देखिएगा समृद्धि मैम का करंट अफेयर है इकोनॉमी का बहुत अच्छा करंट अफेयर मैम ने डाला हुआ है आप जैसे जो भी क्लास चले वाजिद मुस्तफा वाजिद अली जो भी क्लास चले लक्ष्य बैच पर वहां पर आप टीचर से सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब पर चल रही हैं लक्ष्य बैच की सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू द टीचर एंड गेट द गाइडेंस फाइन दैट दैट विल बी द मोस्ट ईजियर एंड फ्रिस्क वे सबसे जल्दी आप उसको पा सकते हैं ठीक है आप चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा उसमें करंट अफेयर हर टीचर का अलग अलग पॉलिटी का मिलेगा जैसे लास्ट संडे को मैंने तीन घंटे जियोग्राफी के करंट अफेयर पढ़ाए थे मई जून जुलाई का ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर क्लास में ठीक है आप लोग जरूर देखिए यह सेशन ओरिएंटेड ये सारा करंट अफेयर आपको एक साल का करा दिया जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर फिर भागने की जरूरत नहीं होगी ठीक है थोड़ा बहुत तो सब जगह पर छूटता है हंड्रेड परसेंट तो नहीं पर आपका सेवेंटी एटी परसेंट जो क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर और जीएस से रिलेटेड वो कवर हो जाएंगे ठीक है चलिए थैंक यू सो मच एवरी वेलकम वेलकम देवस्मिता वेलकम मुस्तफा वाजिद अली वेलकम ऑलवेज हम यहां पर आपकी हेल्प करने के लिए ही हैं ठीक है प्रिया आप प्ले जरूर चेक कर लीजिएगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन